तालियां और सिट्टियां होना चाहिए। आप जिस मुकाबले का इंतज़ार था, जिस लम्हे का इंतज़ार था, वो घड़ी आ गई है। बाली ट्रॉफी 2022 में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। ना देश युद्ध ना धर्म युद्ध, ये है भिवंडी में इस समय भिवंडी टेनिस बॉल क्रिकेट का कर्म युद्ध। भिवंडी सिटी स्टार्स बनाम भिवंडी ग्रामीण स्टार्स। टॉस को जीता है भिवंडी ग्रामीण स्टार्स की कप्तान ने, पहले फील्डिंग चुनी है और दोनों सलामी बल्लेबाज भिवंडी सिटी स्टार्स के बीच मैदान में बिलाल शेख और उनके साथ करिश मात्रे। मजबूत मजा येणार आहे। पहिला चेंडू बसून नक्कीच तुम्हाला दरम्यान जल्लोष पाहायला मिळेल, कारण आपण भिवंडीच्या ऐतिहासिक नगरीमध्ये आहोत आणि भिवंडीकरांनी नक्कीच गर्दी केली आहे मैदानाच्या चारी बाजूने। गर्दी 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 आणि फक्त गर्दी। बाली ट्रॉफीची आपल्याला गर्दी पाहायला मिळते आणि नक्कीच आता मात्र हा येणारा एक तास भरपूर महत्वाचा असणार आहे। भरपूर चांगला क्रिकेट तुम्हाला पाहायला मिळेल। तमाम सर्वच नक्कीच युट्यूबला देखील भरपूर यस अजय गरत। खेल की शुरुआत होने जा रही है, पहला ओवर लेकर भिवंडी तालुका क्रिकेट के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेयर्स भावेश पवार। हियर वी गो, फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच। शानदार शॉट, कवर पॉइंट को बीट किया है बिलाल ने। गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। पहली गेंद पर शानदार चौका। सुनहरा मौका है मापोली की धड़कन। इस मैच में कोई भी बाउंड्री के पीछे कैच पकड़ेगा तो मापोली की धड़कन। शादाब कोतकर की तरफ से 2000 का इनाम। इस बार अच्छी गेंद थी भावेश पवार की, थोड़ा अतिरिक्त उछाल था। पंजों के बल उछलते हुए हल्के हाथों से खेला उसको पॉइंट की तरफ और सिंगल ले लिया है बिलाल शेख ने। बिलाल पहुंचे 5 पर और टीम का स्कोर भी 5 रन। जिस गेंद पर चौका जड़ा गया वो भी उतनी बुरी गेंद नहीं थी, लेकिन बहुत ही शानदार स्ट्रोक खेला था बिलाल ने। और ये देखिए दर्शक, दर्शक ही दर्शक स्टैंड्स में नजर आते हुए, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और यूट्यूब पर राहुल 8000 से भी ऊपर दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डेफिनेटली या मासाठी का ना गर्दी होना रहा है, कारण का बघतो आपण भिवंडीचे स्टार सितारे ते देशभरात नक्कीच खेळत असतात। आज आपल्याच भिवंडी नगरीमध्ये खेळणार आहेत आणि भरपूर मजा नक्कीच तुम्हा सर्वांना देणार आहेत। चांगली मॅच पाहायला मिळेल, एक रप अँड टप मॅच पाहायला मिळेल। भावेश पवार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव किया है। ओ जोखिम भरा रन, डायरेक्ट हिट की आवश्यकता थी, मुश्किल में थे वहां पर बैट्समैन। सिंगल आखिरकार कंप्लीट किया है करिश मात्रे ने। करिश का खाता खुला इस सिंगल की मदद से। केबल पर भी टेलीकास्ट पहुंच रहा है और वो तो संख्या हमारे पास नहीं है, उसके बावजूद भी 8000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। जगह बनाई, कट किया, लेकिन इस बार गैप में नहीं खेल पाए। कवर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, एक और सिंगल। रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रही है, अच्छा तालमेल देखने को मिल रहा है बिलाल शेख और करिश मात्रे के बीच में। सेंसिबल क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतो। सावरची मॅच आणि दोन चांगले धुरंधर फलंदाज मैदानाच्या मध्ये आहेत। सेंसिबल क्रिकेट खेळला जातं, कारण का प्राउड ऑफ भिवंडी। भावेश पवारचा हा पहिला षटक आहे। अगली गेंद, ओ इनसाइड एज, बाल बाल बच गए यहां पर करेश। किस्मत वाले हैं कि गेंद स्टंप्स पर जाकर नहीं टकराई। गेंद की जो गति थी उसको ठीक तरह से समझ नहीं पाए थे, पुल करना चाहते थे। ज्यादा शॉर्ट पिच गेंद भी नहीं थी भावेश पवार की। भावेश पवार इस सीजन में बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है, खासतौर पर गेंदबाजी तो बहुत ही उम्दा, बल्ले से भी फॉर्म में चल रहे हैं। भिवंडी के सभी सितारे इस मैच में नजर आ रहे हमें। हवा में गेंद, विकेट कीपर डाउन द बॉल और कैच लपका गया है विवेक शेलार द्वारा, पहले विकेट का पतन।
दरम्यान पहिला धक्का लागतो मैदान शॉट मध्ये क्रेश मात्रे बाद झाला। 10,000 पेक्षा जास्त प्रेक्षक नक्कीच यूट्यूबच्या माध्यमातून आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतात आणि नक्कीच ते देखील आनंद घेत असताना भिवंडी सिटी स्टार आणि ग्रामीण सिटी स्टार, ग्रामीण सिटी स्टारनं मात्र आता नक्कीच कंबर कसली या मॅच मध्ये, कारण का बघतो आपण जास्त जास्त यंगस्टरना संधी दिली आहे, त्या अनुषंगाने मात्र जहां भिवंडी ग्रामीण के जो कप्तान है जयेश पाटिल, उन्होंने टॉस में कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में यही खिलाड़ी भिवंडी का ज़्यादातर प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। और ये अब जनाब तैयार होते हुए गेंदबाजी के लिए विवेक शिलार, रफ्तार के राजा, खाली पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ है। स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर भिवंडी सिटी स्टार्स। पहले 2 मैचेस जो हुए हैं वो दोनों भिवंडी सिटी स्टार्स ने जीते हैं। जीत जरूर हुई है सिटी स्टार्स की, लेकिन भिवंडी ग्रामीण स्टार्स ने भी अच्छा खेल पेश किया है। पहले दोनों मैचेस में काफी क्लोज एनकाउंटर्स हमें देखने को मिले हैं। क्या आज इतिहास बदलेगा राहुल, क्या आज भिवंडी ग्रामीण स्टार्स जीत का खाता खोलेगी? विवेक की पहली गेंद, दूर से ड्राइव लगाना चाहते थे, बहुत बड़ा इनसाइड एज, बिलाल अपने आप पर ही निराश है। थोड़ी जगह मिली थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। नए बैट्समैन मतीन खान आए हैं, मतीन बेहतरीन। नक्की चिंडू आपल्याला भरपूर चांगला पाहायला मिळतोय, विकेट टू विकेट बॉलिंग करत असताना अभी फक्त बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न केला मैदानात शॉट मध्ये बिलाल, मात्र चिंडूने बॅटचा संपर्क एवढा चांगला नाही, डॉट बॉलने सुरुवात केली। विवेक एक बार फिर से, और इस बार चॉप करते हुए खेला है, पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, केवल 1 रन मिलेगा। जो प्लेइंग 11 है भिवंडी सिटी स्टार्स का वो इस तरह से है, बिलाल शेख, मतीन खान, फाइक अंसारी, श्याम चौधरी, अख्तर शेख, करिश मात्रे, उजेर मोमिन, साकिब खान, धनराज गुल्लापल्ली, ग्यासुद्दीन शेख, साथ में माजिद बोबड़े। और भिवंडी ग्रामीण स्टार्स की जो प्लेइंग 11 है वो इस तरह से है, जयेश पाटिल कप्तान। इसे बीच अगली गेंद स्विप किया है मतीन ने, मतीन का ये प्रिय स्ट्रोक है, रन्स मिलेंगे यहां पर पूरे के पूरे 4। सर भी आएगा, पीली गेंद में लिपटे हुई गुलाबी नोट पकड़ने के लिए तैयार रहिए। शादाब कोतकर, इस मैच के लिए ऑडियंस अगर कैच पकड़ती है, कैच पकड़ो, कैश लो। एक आध कैच शायद हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी आ सकता है, कमेंटेटर्स के लिए थोड़ा ज्यादा इनाम होना चाहिए। चौके से खाता खोला है मतीन खान ने, फिर से बेहतरीन स्ट्रोक, हुक किया इस बार फिर से उसी दिशा में, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 1 बाउंस, चौका। मध्ये मदीनचा बल्ला, मात्र बल्ले बल्ले करत असताना बॅक टू बॅक 2 चेंडू 2 चौकार। विवेकनं सुरुवात चांगली केली, मात्र त्याच्यानंतर भरपूर चांगली बॅटिंग होत असताना भिवंडी सिटी स्टार्सच्या माध्यमातून। विवेक के साथ काफी क्रिकेट खेल चुके है मतीन, गति में परिवर्तन और बोल्ट कर दिया मतीन खान को, दूसरा झटका लगा है भिवंडी सिटी स्टार्स को। गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है, इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को रोलेक्स मेडिकेयर के फाद तलवी की तरफ से 5,000 रुपए, जोरदार तालियां। अब यह मैन ऑफ द मैच इंपॉर्टेंट हो चुका है। नए बल्लेबाज श्याम चौधरी, मतीन ने आउट होने से पहले 8 रनों का योगदान दिया, टीम का स्कोर 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ग्रामीण स्टार्स की टीम पर नजर डाल लेते हैं, जयेश पाटिल कप्तान है, मैन फ्रॉम ओवली, भावेश पवार मैन फ्रॉम गोरसई, विवेक शिलार मैन फ्रॉम खालिंग, पवन केने गोरसई, सूरज केने गोरसई, प्रतीक पाटिल टेम्बवली, के
केतन पाटिल वडुनवगर, प्रितेश पाटिल दापोड़े, हिमांशु पाटिल आलिमघर एक्सप्रेस, किरण पाटिल सावद एक्सप्रेस, साथ में कुमार गुंड जो कि भिनार के खिलाड़ी है। हजारों लोग मैदान पर, हजारों लोग टेलीविजन सेट पर और यूट्यूब पर, 12,000 लोग इस वक्त इस मैच को देख रहे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत। व्हाट अ मैच, क्रिकेट की सारी गर्मा गर्मी भारत के सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी में आप देख रहे हैं, भिवंडी सिटी स्टार और भिवंडी ग्रामीण स्टार। सिटी और ग्रामीण के पहले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी मैदान में पहुंचे हैं, बायत के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज श्याम चौधरी। स्वागत उनका धीमी गति की गेंद के साथ, ढीले हाथों से खेला और एक तेज सिंगल। डायरेक्ट हिट लगता तो शायद अंपायर तीसरे अंपायर के पास जा सकते थे, लेकिन निशाना चूक गया और जोखिम भरा रन आखिरकार वहां पर कंप्लीट किया है शाम ने। शाम का खाता खुला और इसके साथ ही पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ। स्कोर 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, भिवंडी सिटी स्टार्स टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए भिवंडी ग्रामीण स्टार्स के सामने। एक चांगली सुरुआत आपल्याला पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये। 17 धावा स्कोर बोर्डवरती आहे, 2 विकेट गमावल्यात, अजूनही 4 षटकांचा खेळ बाकी असणार आहे आणि नक्कीच बघू शकाल तुम्ही अल्ताफजी बाली साहब, तुम्हाला स्क्रीनवरती पाहायला मिळतील या स्पर्धेचे लाडके दर्जेदार असे आयोजक। उनके साथ रोलेक्स मेडिकेअर के फहद दलवी साहब भी नजर आ रहे हैं और जिनके द्वारा इनाम दर्शकों के लिए भी रखा गया है, शादाब खोदकर साहब, एस के स्पोर्ट्स मापोली के प्रोप्राइटर, पापा भी वहां पर नजर आ रहे हैं। ऑडियंस देखिए, आप धीरे धीरे ऑडियंस बढ़ती भी, ये देखिए हमारा मेन स्टैंड जो अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ, ये गर्मा गर्मी है बाली ट्रॉफी में 2 दिग्गज स्टारों की। सिद्दीक जी, पहला मैच बालाजी कप में खेला गया था जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, उससे बस 4-5 दिन पहले वो मुकाबला हुआ था सोनाले क्रिकेट ग्राउंड पर और बहुत ही रोमांचक थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट रहा था। उसके बाद दूसरा मुकाबला राजनोली में खेला गया था, दोनों बार सिटी स्टार्स ने मैच जीता है, लेकिन अब की बार बहुत कुछ बदल चुका है राहुल। अजय देखिए, मैजिक बॉक्स दिखाया गया, अब मैजिक खिलाड़ी कौन रहता है मैन ऑफ द मैच, क्योंकि उसको 5,000 रुपये का इन सारे गिफ्ट के साथ तोहफा है फहद दलवी की तरफ से। ये देखिए पैक क्राउड, तमाम मैजिक बॉक्स भर चुके हैं, ये VIP डाइस खचाखच भरा हुआ अल्ताफ पैलेस। ये भिवंडी का टेनिस बॉल क्रिकेट है, नेवर लेकर भावेश पवार, जगह मिली, एक हट किया है, बहुत खूबसूरत शॉट, बैकवर्ड पॉइंट के सामने से निकाला, 4 रन। ग्रेट ग्रेट शॉट अपला पहला में, तो क्लासिकल शॉट। थोड़ा उछाल था उस गेंद में, लेकिन गेंद के बाउंस के ऊपर जाते हुए खेला है वहां पर श्याम चौधरी ने। देखिए कितने कंट्रोल के साथ खेला है, उनको पता था कि फील्डर कहां पर है, अपिश स्ट्रोक जरूर था, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट को बीट किया और 4 रन प्राप्त किए। इस बार फुल लेन गेंद ड्राइव कर दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर दूर से गेंद पर आते हुए, यहां पर 2 रन लेने का मौका जरूर है। सूरज के ने सफाई से फील्ड नहीं कर पाए थे, लॉन्ग ऑफ से आए थे, 2 रनों से स्कोर को आगे बढ़ाते हुए श्याम चौधरी, स्कोर अब 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ऑनलाइन व्यूवर्स की जो संख्या है उसमें तो लगातार बढ़ोतरी होने ही वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेफिनेटली बघतो आपण भिवंडीचे सर्व धुरंधर आपल्याला खेळाडू पाहायला मिळतात मैदानाच्या आतमध्ये, तर व्यूवर्स देखील तेवढ्याच मोठ्या संख्येने मॅचचा आनंद घेत असताना। पवार की अगली गेंद, इस बार कट करना चाहते थे, गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था, ज्यादा जगह नहीं थी। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, पहली 2 गेंदों पर 6 रन खर्च किए गए थे। टप्पा पड़ने के बाद देखिए अंदर की तरफ थोड़ी सी स्पिन हुई, भावेश पवार के पास काफी सारे वेरिएशंस है और उनको पढ़ना उतना आसान नहीं है, लेकिन इस बार पड़ा भी और जड़ा भी, हुक कर दिया गेंद को मैदान के बाहर, मैच का पहला सिक्सर। ग्रेट ग्रेट शॉट श्याम चौधरी सा, नक्कीच तुम्हाला हा क्लास पाहायला मिळतो, काय फटका होता, फटक्यामध्ये पॉवर देखील जनरेट करत असताना पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येत असताना या मॅचचा हा पहिला सिक्सर। जबरदस्त कॉन्टेस्ट है ये, एक तरफ प्राइड ऑफ भिवंडी भावेश पवार तो दूसरी तरफ रॉक ऑफ टेमघर श्याम चौधरी, और ये चट्टान बहुत मजबूत है, ये एक बार फिर से देखने को मिलता हुआ। 13 पर पहुंच चुके हैं श्याम, दर्शकों से खचाखच भरे हुए स्टैंड्स अब नजर आ रहे हैं। नकिस वे देखिए अपन कमी खर्च करता जैसे वे अपन घेऊ नका प्लीज। क्या शॉट खेला था श्याम चौधरी ने, रनों की रफ्तार को बढ़ाते हुए श्याम आगे निकले इस बार, लेकिन पूरी तरह से छकाया इस बार भावेश पवार ने,
अच्छी गेंद, अच्छी नोक झोंक चल रही है। कभी श्याम चौधरी भारी पड़ रहे तो कभी भावेश पवार भी पलटवार कर रहे हैं डॉट गेंद के साथ। नक्कीच चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळते आणि कॉन्टेस्ट देखील चांगली आहे। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ओ फिर से धीमा डाला इस बार, देखिए बीट किया है, अपील हो रही है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। एक और डॉट गेंद और इसके साथ ही 3 ओवर्स का खेल समाप्त होता हुआ। स्कोर हुआ है भिवंडी सिटी स्टार्स का 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यहां से और 3 ओवर्स का खेल पारी में शेष है। गेंदबाजी में परिवर्तन होगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी। भावेश पवार ने तो अपना कोटा पूरा कर लिया है। पहले ओवर में उन्होंने 7 रन दिए थे, 1 विकेट झटका था। दूसरे ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए, 12 रन दिए यानी कि 19 रन देकर 1 विकेट। धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटील समालोचन कक्ष। मित्रांनो आता आपण एक भव्य सत्कारकडे वळणार आहोत। अगदी कमी वयामध्ये समाजसेवेचा ध्यास घेत उद्योगमध्ये प्रगती समाजसेवेमध्ये प्रगती करणारे करण शेठ माळी यांचा आता आपण भव्य सत्कार घेणार आहोत। आणि मी विनंती करणार आहे नईम शेख यांना की आपण करण शेठ माळी यांचा भव्य सत्कार करायचा आहे। भव्य सत्कार संपन्न झाला। दोस्तों लौट चलते हैं इस अद्भुत मुकाबले की तरफ। ये सारी गर्मा गर्मी ये नोक झोंक आप देख रहे हैं अल्ताफ बाली के शो बाली ट्रॉफी में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद हम देखते हैं तो कुल मिलाकर रन बने 29, विकेटें गिरी 2। श्याम चौधरी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और सबसे बड़ा मुकाबला और टेनिस दुनिया के सबसे बड़े कमेंटेटर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, स्वागत है आपका। शुक्रिया भाई। खेल की शुरुआत होती भी विवेक शेलार कंटिन्यू है, राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए बिलाल शेख के लिए बढ़िया गेंद, ऑफ स्ट्रोक खेला है, 1 रन बना, बढ़िया फील्डिंग, जयेश पाटिल थे उनका थ्रो पहुंचा, 1 रन से भिवंडी सिटी स्टार का स्कोर 30 रन। सिदिक भाई एक चीज आप गौर करेंगे कि ये खिलाड़ी तमाम भिवंडी के हैं, चाहे सिटी के हैं चाहे ग्रामीण के हैं। आप एक दूसरे से जब अलग अलग फॉर्मेट में भिवंडी के अंदर ही खेलते हैं एक दूसरे की खूबियां और खामियां आपको अच्छी तरह पता है। विवेक शेलार ने आते ही बिल्कुल जड़ में गेंद की थी और बिलाल को वो मौका नहीं दिया था बड़ा हिट लगाने का। एग्जैक्टली आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो और भिवंडी का सुपर से ऊपर मुकाबला। विवेक शेलार श्याम चौधरी के लिए 3 डॉट खेले हैं, 1 सिक्सर 1 चौका और 1-1, कुल मिलाकर 13 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं श्याम चौधरी। 1 डबल भी बनाया है। रॉक ऑफ टेमगर सामना करते हुए प्रिंस ऑफ भिवंडी विवेक शेलार का बढ़िया गेंद, कान के पास से जाती हुई और कांटा भी बदला था, क्या खूबसूरत गेंद थी विवेक शेलार की। देखिए पहली बॉल चैनल में फुलर लेंथ, दूसरी बॉल गुड लेंथ, 2 अलग अलग गेंदे विवेक शेलार का, जो गेंदबाजी का वैरायटी है वो काबिल है तारीफ। विवेक शेलार शाम को लॉब कर दिया और देखना गेंद स्टैंड में, वहां कोशिश भी दर्शकों की लेकिन 6 रन, गजब का शॉट, हॉट शॉट, बिल्कुल मानो गोल्फ खेल रहे हैं। स्वीडन के फिल मिकेलसन की याद आ गई जो बहुत बढ़िया गोल्फर रह चुके अपने जमाने के, और बिल्कुल उन्हीं की तरह ये स्ट्रोक को अंजाम दिया श्याम चौधरी ने। और विवेक शेलार की पहली गलत बॉल और उस पर सही शॉट, देखिए बाउंड्री के पीछे कैच पकड़ना है और मिली जुली सरकार नहीं चलेंगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसने कैच पकड़ा उसको गुलाबी नोट, बाउंड्री के पीछे जाना है थोड़ा। इस मर्तबा बढ़िया गेंद थी।
रेलिंग के पीछे जाना है आपको। विवेक शेलार पुल और सीधा फील्डर के हाथ में, गजब का कैच वहां पर, बेस्ट फील्डर ऑफ दी भिवंडी केतन पाटिल का। वर्सेटाइल विवेक शेलार, सिक्स खाने के बाद विकेट लेने के लिए शेर का जिगरा चाहिए और विवेक शेलार के अंदर वो शेर का जिगर है। उन्हें पता है कि श्याम चौधरी जो है उनको अगर मैं पसंदीदा शॉट खेलने दूंगा तो वो जाएंगे क्रीज में। बहुत डीप गए थे, स्टंप से लगभग 2 इंच डीप जाकर अंदर से खेला था। एंड व्हाट अ कैच बाय केतन पाटिल, अ बिग बिग विकेट यहां पर भिवंडी ग्रामीण के लिए। गजब का कैच पकड़ा हरेश वहाँ पर। इस तरह के कैचेस कभी भी आसान नहीं रहते हैं जब आप बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे खड़े हो। लिया है भिवंडी की तालुका के सबसे बेस्ट फील्डर केतन पाटिल। सबसे बड़ी बात है बॉडी बैलेंस, अपने आप को स्थिर रखा, गेंद के आने का इंतजार किया, पीछे देखकर यह सुनिश्चित भी किया कि कई लगन फिल्म की तरह मैं पीछे तो नहीं चला गया हूं लाइन के। एवरीथिंग वॉज नीट एंड क्लीन अबाउट दैट कैच। कोई भी खिलाड़ी अगर अर्धशतक लगाता है तो राजा मनुष करसन फ्लोरी की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम है। इनामात बढ़ रहे हैं क्योंकि ये भिवंडी क्रिकेट सुभाष ठाकरे और करसन फ्लोरी की तरफ से 10,000 का इनाम है। विवेक शेलार गेसुद्दीन को बहुत बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर बल्ले के नीचे से निकल गई विकेट कीपर के पास। क्या ओवर किया यहाँ पर विवेक शेलार ने, एक सिक्सर लगने के बावजूद कुल मिलाकर कितने रन दिए, 7 रन दिए और बड़ा विकेट श्याम चौधरी का। सिद्दीक भाई अगर आप मुझे पूछते हैं 6 अलग अलग गेंदे उसने की, लाइन पर अलग, लेंथ पर अलग, वैरायटी में अलग, उसमें हमने एक सिक्स भी देखा। इसको कहते हैं फ्रूट सलाड बॉलिंग। एक जैसे हमारा फ्रूट बास्केट जो हम मैन ऑफ द मैच में देते हैं ना, उसमें अंगूर भी है, सेब भी है, संतरा भी है, कीवी भी है। 6 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल्स बाय विवेक शेलार एंड दिस इज वर्सेटाइल विवेक। मैं थोड़ा अलग आकलन करूंगा, ये मानो वो है कोई कमांडर किसी फौज को आगे करता है। बिटालियन में आपके पास तोप भी है, AK-47 भी है, आपके पास हेलीकॉप्टर भी है और आपके पास एंटी गनशिप भी है। खेल की शुरुआत होती हुई 4 ओवर डेथ ओवर बचे, हरेश क्या लगता है आपके माइंड से कि स्कोर कहां तक जाएगा? नहीं देखिए, स्कोर कहां तक जाएगा ये अंदाज़ा इस वक्त हम नहीं लगा सकते, लेकिन जो ट्रेंड है 4 ओवर में स्कोर है 36, तो 9 के एवरेज को अगर कंटिन्यू करते हैं तो 18 रन बन सकते हैं। सो 18 फ्रॉम हियर वुड टेक देम टू 54। मैं उसमें एक 5 से 7 रन एक्स्ट्रा जोड़ देता हूं क्योंकि एक आध खराब बॉल पर जो बफर है एक आध सिक्स जा सकता है। आई थिंक समवेयर बिटवीन 60-65 शुड बी द स्कोर। अलीमगढ़ एक्सप्रेस हिमांशु पाटिल को मोर्चे पे लगाया गया है। देखिए सामने जो हमारे ऑडियंस है आप इंजॉय करें लेकिन मोबाइल का फ्लैश ऑन ना करें प्लीज। देखना है विवेक शेलार ने आके कुछ बात की है हिमांशु पाटिल से। इस सीजन में सिटी क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वालों में हिमांशु पाटिल का भी शुमार है। सामना करेंगे इस सीजन में सिटी क्रिकेट में 5 अर्धशतक बनाने वाले किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख। हिमांशु पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए बिलाल को ड्राइव किया बहुत तेज गैप में, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, क्या फील्डिंग की है पीछे सूरज केने ने, बहुत ही लाजवाब करारा कवर ड्राइव था। बिलाल इस वक्त अपने जीवन का मेरे ख्याल से सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में चल रहे हैं और जो अर्धशतक BPL का मैन ऑफ द सीरीज ये टूर्नामेंट में किया गया परफॉर्मेंस, लेकिन सूरज केने की तारीफ करनी होगी, एक निश्चित चौके को बचाया और ये क्वालिटी क्रिकेट देखने के लिए ही तो हजारों लोग अपना समय दे रहे हैं।
दिस इज द बेस्ट क्रिकेट। कायरा स्पोर्ट जून नांदुर्की के कैप्टन और जोगेश्वरी जून नांदुर्की के कैप्टन टॉस बॉक्स से जुड़ जाए, उछाल दिया है। ओ हो क्या शॉट है, स्टैंड में भेज दिया 6 रन, छपरा तोड़ छक्का। कितनी बार बॉल छपरे पर गई है लेकिन जब भी गई है तबीयत खुश करने वाला सिक्स। और देखिए दोनों भाइयों की जोड़ी इस वक्त खेल रही है, एक शेख और साथ में दूसरा शेख, ग्यासुद्दीन शेख और बिलाल शेख, और जिसका खेल पूरी दुनिया रही है देख। बन गए एबी डिविलियर्स, फ्रंट लेग को अलग किया और गेंद को भेज दिया दूर कहीं स्टैंड में क्राउड के पास 6 रन। मौके आ रहे हैं दर्शकों को, 43 रन ग्यासुद्दीन शेख ने अपने इरादे साफ कर लिए हैं। कप्तान जयेश पाटिल अपनी टीम को हौसला देते हुए, बढ़िया वापसी, आउट LBW। देखिए इसको कहते हैं क्रिकेट, मतलब हर बॉल पर रोमांच बढ़ता हुआ, हर बॉल पर समीकरण बदलता हुआ। हिमांशु की गेंद की तारीफ करनी होगी, बैंग ऑन टारगेट एंड प्लम LBW। 43 रन हो चुके हैं दोनों टीमों के कैप्टन। आपको टॉस बॉक्स में बैठना है, अगला मुकाबला ग्रामीण से है, कायरा स्पोर्ट जून नांदुर्की और जोगेश्वरी स्पोर्ट जून नांदुर्की के कैप्टन, दोनों को हमारे डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में बैठना है। अर्धशतक के लिए करसन फ्लोरे और सुभाष ठाकरे की तरफ से 5 लेकिन 10,000 का, लेकिन सिटी क्रिकेट के अभी भी 50 पूरे नहीं हुए। भिवंडी सिटी स्टार हिमांशु पाटिल माजिद बोबड़े के लिए बहुत दूर चले गए हैं और अंपायर ने वाइड घोषित दिया है। 1 रन से स्कोर 44 रन, 4 विकेट। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती भी भिवंडी सिटी स्टार। ये देखिए हिमांशु को आकर कुछ समझाया है विवेक शेलार ने, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बहुत बढ़िया गेंद जड़ में थी, खोद के निकाला 1 रन। बढ़िया गेंदबाजी करें यहाँ पर अलीमगढ़ एक्सप्रेस हिमांशु पाटिल। देखिए सिद्दीक भाई एक चीज और भी है, टूर्नामेंट का आज 11वें दिन का खेल चल रहा है, पिच किस तरह बिहेव कर रही है ये तमाम सुपर प्लेयर्स को पता है। जो 22 प्लेयर इस मुकाबले में खेल रहे हैं इन्होंने पिच को पिछले 11 दिन में बहुत करीब से देखा है, और जैसे हमने ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट में उस दिन इरफान को देखा था, ही वॉज ड्रॉपिंग द बॉल जस्ट बिलो द बैट, बिल्कुल उस तरह की गेंदबाजी। और यहाँ पर थोड़ा सा रन बनाना मुश्किल काम हो रहा है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि ये स्कोर 60-65 तक जा सकता है क्योंकि बिलाल वहाँ पर नॉट आउट है। बिलाल शेख एक डॉट खेल चुके हैं, एक चौका लगाया है हिमांशु, बिलाल को परफेक्ट गेंद, अपील भी वहां पर हुई थी, जड़ में गेंदबाजी हो रही है लेग बाय। क्या आप बॉलिंग कर रहे हैं अलीमगढ़ एक्सप्रेस हिमांशु पाटिल, स्मूथ बॉलिंग एक्शन, परफेक्ट रिलीज, और देखे टोक क्रशर बॉल। और आज यॉर्कर के ऊपर हमने देखा विवेक शेलार, भावेश पवार, अब यहां पर हिमांशु पाटिल। आई थिंक उन्हें पता है कि ये जो बैटर्स है इनको रोकने का एक ही तरीका है और वो है टो क्रशर्स एंड सैंड शू क्रशर्स, बिल्कुल वैसी गेंदबाजी इस वक्त 46/4। देखिए पेपर पे अगर हम देखते हैं तो फिर भिवंडी ग्रामीण स्टार की जो टीम है वो बहुत मजबूत नजर आ रही है क्योंकि उनके पास 6 ऑलराउंडर हैं।
हिमांशु पाटिल, मां जीत के लिए कान के पास से जाती हुई गेंद विकेट कीपर के पास, ओवर समाप्त होते हुए 5 रनों पे रोक लग गई है भिवंडी सिटी स्टार के 46 रन 4 विकेट। पिछले ओवर में 10 रन आए और मेरे ख्याल से ये अच्छा भी कहा जाएगा। ग्यासुद्दीन ने जो 6 लगाया तारीफ है, लेकिन ग्यासु का विकेट लिया इसके लिए हिमांशु को भी उतनी ही क्रेडिट हमें देनी होगी। आखिरी 6 गेंदों के अगर 10 रन हम पकड़ते हैं तो 56, लेकिन एक 5 से 10 रन इधर उधर पकड़ के चलना होगा सिद्दीक भाई, क्योंकि ये क्रिकेट है। और बिलाल द किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट, बिलाल अपने पर्पल पैच से जा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात ये भी होगी सिद्दीक भाई कि बिलाल को 6 गेंदों में से कितनी गेंदें खेलने मिलेगी। एग्जैक्टली, ये देखिए VIP डाइस खचा खच भरा हुआ इस वक्त, और देखिए दोनों टीम के कैप्टन आ चुके हैं, कायरा स्पोर्ट्स के कैप्टन आए हैं, जोगेश्वरी के कैप्टन, जोगेश्वरी स्पोर्ट्स के कैप्टन भी आ चुके हैं, वेलकम। ये देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा, दूधिया चांदनी में नहाया हुआ परशुराम टावड़े स्टेडियम, हल्की ठंडी हवा के झोंके और सबसे गर्म मुकाबला भिवंडी ग्रामीण स्टार और भिवंडी सिटी स्टार के बीच में। BC4 के चेयरपर्सन इस वक्त अल्ताफ बाली सर हैं, जो सिटी क्रिकेट को बिलोंग करते हैं, और ग्रामीण क्रिकेट की हम बात करें तो GCA के चेयरपर्सन विनोद पाटिल हैं, BCA के चेयरपर्सन नीलम नाइक हैं। डगआउट में खुशी का माहौल नहीं, फरहान पटेल डगआउट में थोड़ा सा सन्नाटा है। ये अल्ताफ बाली सर BC4 चेयरपर्सन, और ये हमारे आतिक भाई A1 चिकन के A1 पर्सन, शायद ही बताती है चिकन कितना मुफीद है। शादाब कोतकर ऑडियंस के लिए अपना दिल खोल दिया उन्होंने हाथों के साथ। डेथ ओवर, लेकिन हरेश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या टेनिस, कभी कभी डेथ ओवर में अच्छी अच्छी टीमों की आरतियाँ उठी है, लेकिन आए कौन है? कॉटरेल ऑफ भिवंडी क्रिकेट, पहली गेंद वाइड यॉर्कर, सवाल पूछा हाउ इज दैट, देखना है अंपायर शकील कोटी लेग अंपायर के पास जा रहे हैं, लेकिन क्या शुरुआत की है किरण पाटिल ने, बहुत ही अच्छी शुरुआत। सबसे बड़ी बात है कि नो बॉल वाइड बॉल हम नहीं करेंगे, पूरे मैच में अब तक केवल एक वाइड बॉल। देखिए यह फर्क होता है जब भिवंडी के बेहतरीन 22 खिलाड़ी खेलते हैं ना, नो बॉल वाइड बॉल ये कम देखने मिलेंगे। क्वालिटी ऑफ शॉट्स, क्वालिटी ऑफ बॉल्स, क्वालिटी ऑफ कैचिंग, क्वालिटी ऑफ थ्रोइंग, ये इस तरह के मुकाबले जो है ना भिवंडी की जनता देखना पसंद करती है। देखना है यहाँ पर शायद ये देखने के लिए कहा गया है कि क्या पहले बाउंस पे गेंद विकेट कीपर के हाथ में गई थी, पहले बाउंस पे गेंद हाथ में गई थी या नहीं, मेरा अपना अनुमान है। ऑन फील्ड अंपायर, आपने नीक एज के लिए तो फ्रीक्वेंसी लगती है, यही देखने के लिए कहा होगा क्या कैच क्लीन है या नहीं, क्या पहले बाउंस पे गया है या सीधा हाथ में गया है। अल्ट्रा स्लो मोशन में आता हुआ इसके बाद मुकाबला दोस्तों आप देखने जा रहे हैं जो दोनों जून नांदेड़ की ग्रामीण क्रिकेट की टीमों के बीच में साइड एंगल से दिखाया जा रहा है। उसके बाद सिटी क्रिकेट का मुकाबला रहेगा बंटी स्पोर्ट बोरियोली और अधनेश भादौर, उसके बाद जरी मरी काटई को भी पहुंचना है, यहाँ हंसिका स्पोर्ट पिंपलगढ़ को भी पहुंचना है और मापोली स्पोर्ट्स को भी। नॉट आउट,
लेकिन शुरुआत बहुत ही गजब की है किरण पाटिल ने, वाइड यॉर्कर से बल्लेबाज को टेस्ट किया है। बिलाल शेख को देखिए, दो तीन चार पाँच छः सात गेंदे खेली है और 9 रन बनाए। सिद्दीक भाई, भिवंडी ग्रामीण का बॉलिंग अटैक अगर आप देखते हैं, 4 गेंदबाजों में 3 लेफ्ट आर्म गेंदबाज, हिमांशु पाटिल, भावेश पवार और किरण पाटिल, ओनली 1 राइटी बॉलर। सो उन्होंने बहुत अच्छा प्रोफाइल किया है, जो मैन टू मैन मार्किंग फुटबॉल में होती है बिल्कुल उस तरह मैन टू मैन मार्किंग उन्हें पता है। देखिए साइड क्या पहले ही पता थी, प्रोबेबल साइड पता थी, फाइनल 11 ऑफकोर्स मैं समझ सकता हूँ, बट जो ये इस तरह का बॉलिंग अटैक है, दे हैव गॉट अ परफेक्ट एंगलर्स। और आज किरण पाटिल ने जो स्टार्ट किया है काबिले तारीफ। किरण पाटिल रफ्तार का कहर इस साल ढा रहे हैं। बिलाल को स्वीप कर दिया पीछे खिलाड़ी और बिलाल शेख आउट। स्लॉग स्वीप करना चाह रहे थे और प्रीतेश के हाथ में कैच देकर वापस लौटे। और किरण पाटिल, किरण द कारतूस पाटिल, पिस्तौल से निकलता हुआ कारतूस किस तरह काम करता है। लोअर फुल टॉस, बिलाल का स्लॉग स्वीप और एक बेहतरीन कैच और गेंद को पटक दिया। व्हाट अ क्लिनिकल बॉलिंग बाय किरण पाटिल। केपी मरता क्या ना करता, हिटमैन ऑफ भिवंडी फाइक अंसारी को आप भेजा गया है बड़े शॉट के लिए। देखिए रणनीति भिवंडी सिटी स्टार की भी साफ थी, बाएं हाथ का गेंदबाज थे तो इसलिए उन्होंने माजिद बोबड़े को ऊपर भेजा था। अब यहाँ पर 4 बॉल के सिद्दीक भाई में ज़्यादा से ज़्यादा 15 रन पकड़ रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि 4 गेंदों के 4 चौके आते हैं तब 16 मिलेंगे, लेकिन वो एकदम एक्सट्रीम है। मेरे ख्याल से अगर ये स्कोर को 50 के अंदर रखने में कामयाब हो जाती है भिवंडी ग्रामीण स्टार तो अपने आप में बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव रहेगा भिवंडी सिटी टीम के ऊपर। देखना है कि किरण पाटिल इस सीजन में 2 हैट्रिक कर चुके हैं और रफ्तार का कहर बल्लेबाजों पर। ये हमारे तमाम दर्शक सभी का हार्दिक स्वागत। किरण पाटिल फाइक अंसारी के लिए, यॉर्कर लेन की गेंद खोद के निकाला डीप एक्स्ट्रा कवर में, 1 रन बना, हाँ ना चलती हुई और वापस कदमों को क्रीज में खींचा माजिद बोबड़े ने। 1 रन से स्कोर 47 रन। और कहना होगा कि भिवंडी ग्रामीण स्टार की जो गेंदबाजी है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। सदी हुई गेंदबाजी, गेंदबाजी का पैनापन, आपने अभी जो लहर की बात की, कहर की बात की, वाकई में हम कह सकते हैं ग्रामीण टीम का जहां तक सवाल है, आली लहर केला कहर ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल इरादे साफ हैं अभी तक, इलाका तुम्हारा होगा और धमाका हमारा, लेकिन क्रिकेट है कुछ कहा नहीं जा सकता। पहला जो सिटी और ग्रामीण का मैच था, गैसुद्दीन के हाथ में जब गेंद दी थी, भावेश ने सेकेंड गेंद पे 6 लगाया, मैच वहाँ गया, गैसुद्दीन ने चलता कर दिया भावेश को और वो मुकाबला आखिरी गेंद पर बहुत रोमांचक अंदाज में जीता था सिटी ने। माजिद बोबड़े किरण पाटिल के सामने, रफ्तार के सौदागर कोटरेल ऑफ भिवंडी मुड़ते हुए, तेज गेंद बल्ले पे नहीं आई। देखिए हरेश, आप तेज गेंदबाज हैं, आपके पास रफ्तार है, लेग बाय का इशारा, तो आपके पास शॉर्ट पिच गेंदों का कोटा होना चाहिए, यॉर्कर्स होना चाहिए। तेज शॉर्ट पिच गेंद अगर आपके सीने पे आती है तो बैट्समैन को टाइम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए सिद्दीक भाई, केतन पाटिल, इनके दिमाग में भी एक प्लान है और वो प्लान के अंतर्गत गेंदबाजी करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन स्कोर को नियंत्रण में भिवंडी ग्रामीण स्टार्स ने रखा है। वो विजय के लिए भूखे हैं क्योंकि उन्हें विजय मिली नहीं है। सिटी ने 2 बार ग्रामीण को हराया है, लेकिन ग्रामीण 31 मार्च है जब व्यापारी अपना टारगेट पूरा करने में लगे, ग्रामीण स्टार भी अपना टारगेट पूरा करेगी मार्च एंड का, ऐसा मुझे लग रहा है। किरण हिटमैन ड्राइव जरूर किया लेकिन फील्डर मौजूद है। दूसरी ये बात है कि फील्डिंग अगर हम देखें तो बाउंड्री पे जितने भी फील्डर हैं वो तालुका क्रिकेट के बेस्ट फील्डर है। यहाँ कप्तानी की तारीफ करूँगा,
मैं वंडर बॉय जयेश पाटिल की, उन्होंने चेंजेस लाजवाब किए। दूसरी एक चीज़ सिद्दीक भाई, हो सकता है मैं गलत हूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन एक बात जो मैंने ऑब्जर्व की है, ग्रामीण टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ग्रामीण डिपार्टमेंट से खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका मैच के ऊपर, उनका ग्राउंड के ऊपर स्पेंड किया गया टाइम जो है, बनिस्बत सिटी क्रिकेट के खिलाड़ियों का ग्राउंड के ऊपर स्पेंड किया गया टाइम, इसमें एक थोड़ा फर्क मुझे नजर आ रहा है। एक ये भी फर्क है कि बाली ट्रॉफी पहले दिन और रात की रोशनी में हुई है, और ग्रामीण वाले कम से कम 10 से 12 ट्रॉफी खेल के रात में आए हैं। आखिरी गेंद है, आखिरी मौका है माजिद बोबड़े के पास। यस, अगले टॉस के लिए दोनों कप्तान पहुंच चुके हैं। माजिद को, ओ हो, क्या शॉट है, गेंद को फेंक दिया है सीधा हॉल पे, 6 रन, एक मारा लेकिन सॉलिड मारा, और ये सिक्सर कहीं मैच में रंग ना भर दे। और कुल मिलाकर ये देखते हैं क्या शॉट है, गेंद के अंदर आए और ये देखिए गेंद सीधी खुदा बख्श हॉल पर, 6 रन, कुल मिलाकर रन बने 55-56 की चुनौती है। चलते अगले टॉस की तरफ, दूसरे इनिंग के पहले दो ओवर राहुल वीर कमेंट्री करेंगे और अजय गरत उन्हें साथ देंगे। धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटील समालोचन कक्ष। मित्रांनो, आपण बघत आहात अल्ताप बाली प्रेझेंट्स बाली ट्रॉफी 2022 आणि आयोजक आहेत पायनियर स्पोर्ट्स। आम्ही उभे आहोत ए भारत गॅस नाणेफेक कक्षमध्ये, ज्याचे पुरस्कर्ते आहेत असफर बोलिंजकर साहेब आणि भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे माजी महापौर जावेद दलवी साहेब, आमचे मॅच रेफरी अजीम हमदुले आमच्या जोडीला उपस्थित आहेत। रेश्मा, एक योगायोग असा आहे, खूप क्वचित असं घडते की एकाच गावच्या दोन टीम एकमेकांसमोर उभे टाकले आहेत, म्हणजे एक गोष्ट चांगली आहे की दोघांपैकी एकाची प्रगती तर नक्की आहे। तर आता या सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी मी बोलू इच्छितो सुप्रसिद्ध समाजसेवक आणि उद्योगपती करण शेठ माळी, त्यांच्या जोडीला मी बोलू इच्छितो वाशिरे गावचे माजी सरपंच विश्वासजी पाटील, आणि त्यांच्या जोडीला अजून गेस्ट म्हणून आपल्या जोडीला उपस्थित होणार आहेत ते सोनादेवी टेमकर वियान मीत कुमारचे ओनर दिनेश चौधरी। तिन्ही आमच्या मान्यवरांना विनंती असेल की त्यांनी आमच्यासोबत ए भारत गॅस कुक फूड सर्व लव्ह टॉस बॉक्समध्ये जॉईन व्हायचे। या करण शेठ माळी आपले गेस्ट आहेत, त्यांच्या जोडीला वाशिरेचे माजी सरपंच विश्वास पाटील, आता दनेश कप आयोजित केला होता, आणि युथफुल दिनेश चौधरी, सोनादेवी वियान मीत कुमार टेमगर, तिन्ही पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत आहे। आता रेश्मा टॉस कॉइन दाखवायचा आहे। व्हेरी वॉर्म वेलकम। सो टॉस कॉइन एकदा आमच्या मान्यवरांना आणि दोन्ही टीम्सच्या कॅप्टन्सना दाखवू इच्छिते। कॉइनच्या एका साईडला आहे ए बी, याने की बाली ट्रॉफीची आन बान शान आणि जान अल्ताफ बाली, आणि कॉइनच्या दुसऱ्या साईडला आहे बाली ट्रॉफी 2022। दोन्ही टीम्सना स्पिन व्हायच्या आधी सांगायचं आहे ए बी या बाली ट्रॉफी। सर प्लीज डू दी ऑनर, कॉल कोणाचा असेल? बाली ट्रॉफी 2022 हा कॉल असेल जोगेश्वरी
जू नांदुरकर या टीम चा सर डू दी ऑनर इट्स बाली ट्रॉफी 2022 तर जोगेश्वरी संघाने हा नाणेफेक जिंकलेली आहे जू नांदुरकी सन्मान्य विश्वास पाटील साहेब माजी सरपंच वाशिर यांच्या शुभ हस्ते रॉलेक्स मेडिकेअरचे फाद दलवी मनसब बुल्ला यांनी पुरस्कृत केलेली ही किट बॅग आणि सोनादेवी टीमगर वियान मीत कुमारचे संघमालक दिनेश चौधरी साहेब यांच्याकडून रियल स्टील आणि रियल स्पोर्ट्सचे वसीमबाई अन्सारी यांनी पुरस्कृत केलेली ही कॅप आपण देत आहोत. धन्यवाद करण शेट माळी, धन्यवाद विश्वासजी पाटील, धन्यवाद दिनेशजी चौधरी. थँक्यू सो मच. आमच्या सगळ्या गेस्टचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आणि जोगेश्वरी जू नांदुरकी बरोबर संघाने टॉस जिंकलेला आहे. मी जास्त वेळ नाही घेणार कारण की एक्झिबिशन मॅच आपली चालू आहे. टॉस जिंकून काय घेण्याचा निर्णय असेल? फील्ड करू आम्ही. फील्ड फर्स्ट. बघा दोन्ही गावातले टीम्स आहेत, एकाच गावातले दोन्ही टीम्स आहेत. जू नांदुरकीवाले जितके गावकरी आपल्याला बघतायत त्यांना काय सांगायचंय? काय नाही, आमचं गावच खेळाडी गावच हरेल. क्या बात आहे, थँक्यू. अर्थात असं कधी स्वप्नातही वाटलं होतं का की एकाच गावाच्या दोन टीम एकमेकांशी भिडतील? अर्थात तिसऱ्या चौथ्या फेरीमध्ये समजू शकतो, परंतु एवढं लवकर भिडतील असं वाटलं होतं का? नाही, तिसरीच फेरी आहे आणि तिसऱ्या फेरीमध्ये तुम्ही भिडलेले आहात. परंतु गावामध्ये कसं वातावरण होतं जेव्हा पूर्ण गावाला समजलं की एका बाजूला कायरा जू नांदुरकी आणि दुसऱ्या बाजूला जोगेश्वरी जू नांदुरकी, जेव्हा गावकऱ्यांना समजलं तेव्हा त्यांच्या काय प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या? गावकरी थोडे नाराजच झाले कारण तर दोन्ही संघ आपलेच आहेत, पण पूर्ण गावाचा आम्हाला दोन्ही संघांना साथ आहे. नाही, नक्की असणारच. जू नांदुरकी गावाची जी एकात्मता आहे, जी एकता आहे, त्यासाठी गावाला मी अभिनंदन करू इच्छितो. ना पैशासाठी ना नावासाठी आम्ही खेळतो, ते फक्त जू नांदुरकी गावासाठी. क्या बात आहे, क्या बात आहे. आणि यासोबतच जोगेश्वरी जू नांदुरकी यांनी टॉस जिंकलेला आहे आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. बघणार आहोत किसकी होती आहे जीत, किसकी होती आहे हार. पण आता लगेच वळणार आहोत आपल्या एक्झिबिशन मॅच कडे. ओव्हर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटील कॉमेंट्री. थँक्यू, थँक्यू सो मच रेशमाजी मयकर, थँक्यू सो मच हरिजी पंड्या. अप्रतिम आपल्याला मॅच पाहायला मिळते तिसऱ्यांदा. नक्कीच हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतो. प्रेक्षकीनी मॅच एका बाजूने दरम्यान भिवंडी सिटीचे स्टार आहेत आणि दुसऱ्या बाजूने भिवंडी ग्रामीणचे स्टार आपल्याला पाहायला मिळतात. 56 टार्गेट आहे. 2 सलामीवीर फलंदाज मैदान आशातमध्ये कुमार गुण समोर आलेत. प्रतीक पाटील पहिलं षटक, बॉलर उजर मॉमिन पहिला चेंडू, पहिलाच बॉल भरपूर चांगला आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडूआ दरम्यान पडल्याच्या नंतर अजिबात बाउन्स देखील झाला नव्हता. सबमरीन डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळते. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमच्यासोबत आहेत अजय घरत, वेलकम. थँक्यू सो मच राहुल. डॉट बॉल से शुरुआत हुई, नीची रही थी उजेर मोमिन की. 56 रनों का टारगेट है. पहला मुकाबला जो हुआ था उसमें 55 का टारगेट था. भिवंडी ग्रामीण हमने चेज नहीं कर पाई थी भिवंडी ग्रामीण स्टार्स. कुमारसाठी अजून एक चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. अप्रतिम आणि दर्जेदार गोलंदाजी असताना होत असताना बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू डॉट. कमाल की शुरुआत इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था. लाइन बहुत बढ़िया मेंटेन की हुई है उजेर मोमिन द्वारा. उजेर नई गेंद के साथ बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. ये बहुत बड़ा मार्का है भिवंडी सिटी स्टार्स और भिवंडी ग्रामीण स्टार्स के बीच में. जबरदस्त ही मैच होणार आहे. एक मोठा संघर्ष आपल्याला पाहायला मिळणार आहे या मॅचमध्ये. उजेर कुमारसाठी पुन्हा आक्रमण करण्याचा प्रयत्न. चेंडूने बॅटचा संपर्क तर झालाय. तिकडे डीपमध्ये फिल्डर उपस्थित आहे. थोडीशी खराब फिल्डिंग झाली आहे आणि आरडा ओरडा तुम्हाला शिट्ट्यांचा देखील आवाज पाहायला मिळेल. भिवंडीकर आहेत आणि सातत्याने आपण बघतो भिवंडीमध्येच आपल्याला बाली ट्रॉफी पाहायला मिळते आणि दर्दी प्रेक्षकानं केली आहे गर्दी. गर्दी बाली जी हा स्टेडियम में भी गर्दी भीड़ और ऑनलाइन भी काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सभी का हार्दिक स्वागत है अल्ताफ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से. बाली ट्रॉफी 2022 में जीत तो भिवंडी की होने वाली है. संघाचे धावसंख्या 2 वरती. उजरशी आपल्याला बॉलिंग चांगली पाहायला मिळते. आता मात्र इनफील्डमध्ये येत असताना श्याम चौधरी धावा 2. उजेरनं आतापर्यंत भरपूर चांगली गोलंदाजी केली. पहिलं षटक आहे पॉवर प्लेचं आणि पॉवरफुल बॉलिंग होत असताना नेक्स्ट बॉल. या दरम्यानचा फटका चांगला आहे. तिकडे फिल्डर देखील उपस्थित आहेत.
अप्रतिम फिल्डिंग जरा जोरदार डाया उद्या फाइक अंसारी दरमियान सुंदर लाजवाब फिल्डिंग पाहायला मिळते आपल्या टीम साठी पूर्ण संपूर्ण धावा वाचवला गेला चार व्हेरी गुड इफेक्ट हा एक्शन रिप्लाय टाइमिंग कहीं ना कहीं उतनी परफेक्ट नहीं थी थोड़ी बल्ले के ऊपर लगी थी और ये ओहो काफी अंदर थे वैसे उनको लगा कि वो बहुत नजदीक पहुंच गए हैं बाउंड्री के छक्का वहां पर बचाने पर ज्यादा गौर किया गया कैच लपका जा सकता था ये कैच भी सकता है लेकिन एफर्ट काफी अच्छा था और सिटी के यदि दिया जाएगा नक्कीच बघतो आपण सिटी साठी खास करून या दरम्यान या असणार आहे पारितोषिक सन्माननीय दिनेश शेठ चौधरी यांच्याकडनं विकेट हॅट्रिकला रोख रक्कम 5,000 रुपये अजून एक बक्षीस आहे त्याचा आम्ही अलॉसमेंट नक्कीच करू हा चेंडू दरम्यान पुन्हा टाकावा लागेल अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉलचा आलाय राजा माणूस नक्कीच कर्शन शेठ फुलवरे आणि शुभाजी ठाकरे यांच्याकडनं देखील पारितोषिक आहे इथनं कुठल्याही खेळाडून जर 50 धावा कंप्लीट केल्या तर रोख रक्कम 10,000 रुपयाचं आणि विकेटच्या हॅट्रिकला देखील त्यांच्याकडनं दोन्ही टीमसाठी पारितोषिक आहे 5,000 रुपयाचं सुभाजी ठाकरे आणि राजा माणूस कर्शन शेठ फुलवरे थोडी धीमी सुरुवात देखने को मिल रही आहे या दरम्यानचा हा फटका हवेत खेळले तिकडे फिल्डर उपस्थित आहेत परतावं लागेल कुमार खुंडला मैदानाच्या बाहेर माजीतनं पकडलाय तिथं जेल आणि संपला मैदानाच्या आतमध्ये कुमार गुंड सखे कुमार गुंड की गेंद को ढूंढ लिया वहां पर डिप स्क्वेयर लेग की दिशा में माजीद ने बहुत बेहतरीन कैच स्विंग किया था ऑन साइड में डिप स्क्वेयर लेग को क्लियर करना चाहते थे लेकिन वो अंतर नाप नहीं पाई गेंद जिसकी आवश्यकता थी 6 रन प्राप्त करने के लिए इससे पहले कैच ड्रॉप हुआ था लेकिन इस बार कोई गलती नहीं और बहुत जल्दी अपना पहला विकेट गवा दिया है भिवंडी ग्रामीण स्टार्स ने 5-1 चांगली मॅच होणार आहे कुमारचा नक्कीच पुन्हा एकदा आपल्याला संघर्ष पाहायला मिळाला या मॅचमध्ये अप्रतिम आपल्याला मॅच पाहायला मिळते भिवंडी सिटीचे स्टार सर्व आलेत आमने सामने आणि त्यांच्या गेमचा भिवंडीच्या नक्कीच आपण बघतो आपण ग्रामीण स्टार आपल्याला पाहायला मिळतात यस सिद्दीकजी हमारे बीच में ग्राम पंचायत सदस्य जून नांदूर की क्योंकि दोनों टीमें वहीं की खेल रही है दत्ता भवन शिकारी साहब आए आपका हार्दिक स्वागत है न्यू बैटर टीम से कैप्टन वंडर बॉय भिवंडी झाला मैदानाच्या आत मध्ये जयेश पाटील अर्थातच जेपी काफी सारी उम्मीदें रहेंगी उनसे भिवंडी ग्रामीण स्टार्स के समर्थकों को कप्तान मैदान में आए हैं और कप्तान को कहीं ना कहीं सीना तान कर चलना होगा इस मैच को जीतने के लिए चुनौती काफ़ी अच्छी रखी गई है मैं समझता हूँ 56 रन हालांकि बहुत बड़ा टारगेट नहीं है लेकिन जिस तरह का बॉलिंग आक्रमण है भिवंडी सिटी स्टार्स के पास उसको देखते हुए काफ़ी चैलेंजिंग टोटल है मजा आना है भरपूर मजा आना है मैच में मोटा संघर्ष आपल्याला पाहायला मिळणार आहे मैच में साकिंग इनला प्रतीक पाटील वदे विकेटना बाकवला जाऊन कट करत असताना सुरेखा फटका आहे अप्रतिम शॉट आहे प्रतीक पाटील चा क्लास आहे चेंडू बाउंड्री लाइनच्या बाहेर फरार धावा 4 लाजवाब शॉट बैकफुट पर चले गए थे और बहुत जोरदार तरीके से कट किया था हवा के रास्ते खेला इनफील्ड को क्लियर करते हुए बहुत बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक ये 4 रन चांगल्या टच मध्ये आहे या दरम्यान बघतो आपण प्रतीक पाटील सबल्ला नक्कीच बाली ट्रॉफी मध्ये चांगला बोलला आणि या सीजन मध्ये चांगली तो बॅटिंग करतोय षटक इथं पहिलं कंप्लीट झालंय भिवंडी ग्रामीण स्टार टीमची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 1 खेळाडू बाद 10 देखिए अजय करत आपको तो याद होगा आप मेरे साथ थे जो पहला भिवंडी सिटी स्टार और ग्रामीण स्टार में मैच हुआ था उसमें लक्ष्य 55 का था यहाँ पे 56 का है लेकिन पहले ओवर को देखकर हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ स्थिति बैलेंस है और मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है उस मैच में पावर प्ले का खेल जो हुआ था रंचेज में वो भिवंडी ग्रामीण स्टार्स के पक्ष में रहा था 24 रन बनाए गए थे कोई विकेट नहीं गिरा था सूरज केने आए थे उस मैच में ओपन करने के लिए भिवंडी ग्रामीण स्टार्स की ओर से प्रतीक पाटील के साथ इस मैच में प्रतीक भी आए हैं प्रतीक तो बदले नहीं गए हैं लेकिन उनके पार्टनर जरूर बदले गए कुमार गुंड आए थे कुमार जल्दी आउट हुए मात्र 4 रन बनाए जयेश पाटील वन डाउन खेलने के लिए आए हैं अभी तक कोई गेंद उन्होंने खेली नहीं है 9 रन बने हैं और बचे हुए 5 ओवर्स में 47 रनों की जरूरत है तर्शे कले दरम्यान बघतो आपण गोलंदाजी मार्क वरती सेकंड ओवर मध्ये 30 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत विजयासाठी 47 धावांची गरज आहे मॅच मध्ये नेट टू नेट ही मॅच होणार आहे कट टू कट सामना होणार आहे बॅलन्स अजूनही मॅच पाहायला मिळेल
जयेश पाटील साठी समोर फटकाने की जॉय करत असताना सेन्सिबल क्रिकेट कॅप्टन आहे, जिम्मेदारी आहे अजय घरत, आज इनिंग चांगली खेळावी लागेल कारण का आज भिवंडी ग्रामीणची जिम्मेदारी जबाबदारी जयेश पाटीलवरती आहे। जी हाँ, और कप्तान ने कहा भी था टॉस में कि ज़्यादातर यंगस्टर्स है उनके पास और कप्तान काफ़ी अनुभवी है तो उस वजह से भी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते। थोड़ा सा संयम दिखाया पहली गेंद पर, सिंगल से खाता खोला है जयेश पाटील ने। अख्तर शेख ये भी एक ऐसे बॉलर है जो नई गेंद के साथ ज़्यादातर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। बी इंडियन के लिए पहले और उसके बाद धनेश इलेवन के लिए लाजवाब उनका प्रदर्शन रहा है भिवंडी तालुका क्रिकेट में। नेक्स्ट बॉल रिवर्स खेळण्याचा प्रयत्न चिंडो ने बाटचा संपर्क नाही, व्हेरी गुड बॉलिंग, चांगली बॉलिंग आताला पाहायला मिळते दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये। कंबर आता मात्र नक्कीच कसली जाईल, दोन्ही टीम संघर्ष करतील विजयासाठी। रोख रक्कम 25,000 रुपये आहेत, मॅन ऑफ द मॅचला देखील 5,000 रुपये आहेत, म्हणजे बक्षीस आणि बक्षीसच आहे या महत्वाच्या मॅचसाठी। हा दरम्यानचा हा चांगला चेंडू आल भी शापल्यू विकेटचं पतन होत असताना प्रतीक पाटील देखील मैदानाच्या बाहेर, लागणारा हा धक्का दुसरा मैदानाच्या आतमध्ये ग्रामीण स्टार टीमला। प्रतीक पाटील बॅक टू द पवीलियन, बहुत बड़ा झटका। प्रतीक ने शुरुआत काफ़ी अच्छी की थी, पहली गेंद पर चौका लगाया था लेकिन इस ओवर में अख्तर शेख ने उनकी एक ना चलने दी। इससे पहले स्विच इट खेलने के चक्कर में बीट हुए थे फुल लेंथ गेंद पर और ये भी पूरी लंबाई की गेंद थी और बिल्कुल विकेट टू विकेट मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया, पूरी तरह से चूक गए और बिल्कुल सही फैसला अंपायर का, स्टंप्स के सामने पाए गए प्रतीक पाटील 4 रन बनाकर पवेलियन में। काय दरम्यान आता बॉलिंग पाला मी दिया, केतन पाटील न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये, भागीदारीची गरज आहे, पार्टनरशिपची गरज आहे मॅचमध्ये। लक्ष सर्वांचं लागलंय, पूर्ण भिवंडी तालुक्याचं लक्ष लागलंय या मॅचच्या दिशेनं। सर्वजण आवर्जून नक्की जाता मात्र सर्च करतायत बाली ट्रॉफी आणि बाली ट्रॉफीची नक्की जाताला ही तशान पाहायला मिळते जी घेतलेली मेहनत सातत्यानं अल्ताफ बाली साहेबांना। दो वंडर बॉईज अब मैदान में है भिवंडी ग्रामीण स्टार्स के लिए, वंडर बॉय ऑफ वडूनगर के नाम से मशहूर है केतन पाटील और जयेश पाटील वंडर बॉय ऑफ भिवंडी के नाम से मशहूर। या दरम्यानचा हा फटका तर हवेत आहे, तिकडे फिल्डर आहेत, प्रयत्न तर अप्रतिम होता मात्र झेल ड्रॉप करत असताना हा जल्लोष, हा जल्लोष तुम्हाला पाहायला मिळेल भिवंडीकरांचा। तिकडे चूक होत असताना बघतो आपण डीप मध्ये फिल्डर होते फाईक अंसारीनं केली चूक अजय करत। इससे पहले भी एक कैच ड्रॉप हुआ था उनके हाथों से, वो मुश्किल अवसर था लेकिन ये बड़ा ही आसान कैच था, मैं समझता हूँ एक रेगुलेशन कैच ही था उनके लिए लेकिन गलती कर बैठे है। केतन पाटील एक दमदार खेळाडू है, विसरून जमणार नाही है, काफी मेहनत की थी हालांकि फाइक अंसारी ने, थोड़ा दूर से आए थे गेंद के नीचे लेकिन सुरक्षित हाथों की जोड़ी गेंद के नीचे नहीं पेश कर पाए। आदरमानचा हा चांगला चेंडू प्लेसमेंट देखील तेवढं चांगलं संयमान आतापर्यंत जेपीनं जयेश पाटील क्रिकेट खेळलाय, हात इथनं दरम्यान खोळले जात नाहीयेत, सिंगल डबलला धावपळ आता मात्र सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न या मॅचमध्ये, एक भागीदारीची गरज आहे आणि तो प्रयत्न करत असताना जेपी जयेश पाटील या मॅचमध्ये। रणनीती थोडी अलग नजर आ रही है जयेश पाटील की, टीम थोडी सी दबाव में है, जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी उस तरह की शुरुआत मिली नहीं है भिवंडी ग्रामीण स्टार्स को, यहाँ से और 44 रनों की जरूरत है, मात्र 25 गेंदे शेष। नेक्स्ट बॉल आदरमान इनसाइड आउट फटका सुंदर आहे, आउटफील्ड देखील फास्ट आहे, करेश मात्रे धावतो चेंडूच्या मागे मात्र चेंडू त्याच्या पुढे जातोय बाउंड्री लाइनच्या बाहेर, मीतील धावा इतन 4। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था ये, गेंद में ज्यादा खराबी नहीं थी, फुल लेंथ गेंद थी लेकिन देखिए गेंद के नीचे बिल्कुल घुसकर ड्राइव किया है, अपीश ड्राइव था, इनफील्ड को क्लियर किया, जानबूझकर ऐसा किया था बैट्समैन ने, इनफील्ड के ऊपर से खेला था और 4 रन, दर्शनीय स्ट्रोक चौके के साथ दूसरे ओवर का खेल समाप्त, पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ है और तुलना यदि हम करें तो भिवंडी सिटी स्टार्स ने बनाए थे 17 रन, इन्होंने बनाए हैं 16 रन। धन्यवाद अजय, धन्यवाद राहुल, हमारे बीच हमारे मैन ऑफ द मैच गिफ्ट एम्पर स्पॉन्सर एवन सूत्र संचालक एवन एंकर राजेंद्र पाटील जुड़ने जा रहे हैं, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वेलकम 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 सुस्वागतम, एवन मुकाबला चल रहा है और एवन सूत्र संचालक राजेंद्र पाटील हमसे जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। सुस्वागतम मित्रों, आपल्यामध्ये लाखिवली गावचे सुपुत्र समाजसेवक पत्रकार कॉमेंटेटर असे विविध हर हुनरी व्यक्तिमत्व उपस्थित आहेत, सन्माननीय राजेंद्र रघुनाथ पाटील
आपलं हार्दिक स्वागत आहे. या स्पर्धेमध्ये सामनावीरचा पारितोषिकासाठी त्याने एक गिफ्ट टेम्पर हे पुरस्कृत केल्याबद्दल आम्ही त्यांचे अंतकरणापासून आभारी आहोत. सुस्वागतम. दोस्तों लौट चलते हैं हॉट मुकाबले की तरफ. बाली ट्रॉफी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. एवन मुकाबला है, सुपर से ऊपर मुकाबला, और सुपर से ऊपर भारत की आवाज़ वॉइस ऑफ इंडिया हरेश पंड्या जुड़ चुके हैं. 16 रन हरेश, 2 विकेट, बचे हुए 4 ओवर में 40. मेरा अपना मानना है ये मुकाबला रंग लाएगा, और अगली दौड़ में सुनते हैं वॉइस ऑफ इंडिया हरेश पंड्या को. धन्यवाद सिद्दीक बाबे जी, आपका हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा. पिछले 11 दिन से आपने पूरे भिवंडी की आवाम को तरोताज़ा रखा है. दोस्तों आप देख रहे हैं अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स बाली ट्रॉफी 2022, आयोजक पायनियर स्पोर्ट्स क्लब. और आज मैदान में रौनक है, चहल है, पहल है. आज लोग चर्चा कर रहे हैं बाली ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला भिवंडी सिटी स्टार्स बनाम भिवंडी ग्रामीण स्टार्स. 24 गेंदों में 40 रनों की दरकार है इस वक्त बल्लेबाजी के लिए. मैदान में जयेश पाटिल 2 गेंदों में 2 रन और केतन पाटिल 2 गेंदों में 5 बनाकर खेल रहे हैं. आउट होने वाले बैट्समैन दोनों ओपनर कुमार गुंड 4 रन बनाकर और प्रतीक पाटिल 4 रन बनाकर. पहला विकेट 5 पर, दूसरा 10 पर. 2 ओवर के स्कोर को कंपेयर करते हैं सिद्दीक भाई तो केवल 1 रन पीछे है ये स्टेज पर. ये देखिए शाहिद खान मुस्कुराते हुए, फात दलवी खुश, फुरकान काजी खुश. ये कामयाबी है बाली ट्रॉफी की, ये चेहरे की खुशियां बता रही है. पीछे अबुलैस अंसारी कम्युनिकेशन मैन, उमर शेख, फराज जो कि एक्रेलिक आर्ट 2 के हैं, फराज भाई. खेल की शुरुआत. हुजर मोमिन उजर के नए ओवर की पहली गेंद और यहां पर ये रॉकेट, ROCKET रॉकेट, और ये रॉकेट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड लगा दिया जयेश पाटिल उर्फ JP. वंडरफुल शॉट, वंडरफुल शॉट फ्रॉम वंडर बॉय ऑफ भिवंडी. लुक एट दैट, पिक्स ऑन द ऑफ वॉली एंड विथ द स्ट्रेट बैट राइट ऑन द अल्ताफ पैलेस. ग्लोरियस टाइमिंग, tremendous power, beautiful execute, and ball is going right on the VIP palace. Captain shot. 22 for 2, 34 run chahiye 23 gendon mein, aur Jayesh Patil ne straight 6 laga kar ab yahan par mood bana diya hai. Ab to strong zone mein जयेश पाटिल को ये गेंद आप नहीं कर सकते. इन द आर्क, आउट ऑफ द पार्क, जन्नाटेदार छक्का. देखिए करण सेठ माली ने सिक्सर की और चौकों की हैट्रिक के लिए 1000 रुपए रखे हैं. 2 पे 2, छोटी गेंद, बैकफुट पे चले गए, खींच के मारा, पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल, डिलाइटफुल. बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी. कैप्टन की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं जयेश पाटिल. 28 पर 2, रिक्वायर्ड रन रेट अब पूरा गिर गया 6.46, यानी कि 28 रन चाहिए 22 गेंदों में, और हुजैर को अब यहाँ बहुत बड़ी वापसी करनी होगी जयेश पाटिल के सामने. देखिए इस वक्त वो यहाँ भी कप्तानी कर रहे, धनेश की भी की और नक्श 11 की भी की. लीडरशिप इज नॉट अ पोजिशन, इट इज एक्शन, ऐसा कहा गया है. एंड ही इज द लीडर हु इज ऑलवेज इन एक्शन. JP उजैर इन ट्रेमेंडस प्रेशर नाउ. बैक प्रियस 2 बॉल 2 ग्रेट हिट, हिट बाय वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल. इस बार बॉल काफी नीची रही थी, ये बेहतर बॉल थी उजैर की. उन्होंने भी एक चीज समझी कि जयेश पाटिल का स्ट्रांग जोन क्या है. सिद्दीक भाई एक चीज तो आप भी गौर करेंगे, जयेश पाटिल का जो स्ट्रांग जोन है मिड विकेट के ऊपर से स्लॉक स्वीप वाले 6, बट ये जो स्ट्रेट 6 था वाज अ स्पेशल वन. मैच बड़ा है, बड़े मैच के खिलाड़ी जयेश पाटिल. 50% रन होने बाकी है. इस बीच हाफ वॉली पर लेकर ड्राइव किया था, पहला रन तेज, दूसरा रन उससे भी तेज. रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी है जयेश की, और इन दोनों के साथ अब स्कोर पहुंचा 2 विकेटों के नुकसान पर 30 रन.
यानी कि अब मुकाबला जीतने के लिए 26 रनों की दरकार है और रिक्वायर्ड रन रेट अब 7.09, 20 गेंदे 26 रन, 20 चेंडू 26 धावा। एक और लाजवाब गेंद, अब ये उजैर मोमीन है, गलतियों से सीखना। देखिए क्रीज के कोने से स्ट्रेटनिंग अ टच, जयेश पाटिल टर्न के लिए गए, कट के लिए गए और बॉल सीधी निकल गई, मैजिक बॉल। बिल्कुल, क्या विकेट कीपिंग कर रहे हैं मतीन खान विकेटों के पीछे। 30 for 2, 19 बॉल्स एंड 26 टू विन। 16,000 लोग यूट्यूब पे मैच देख रहे हैं। इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी खेला, गेंद थोड़ा भवरा की तरह घूमेगी जरूर, लेकिन एक ही रन हासिल हो पाएगा। ये ओवर में सब कुछ हमें देखने को मिला और एक और जहां हुजर के ओवर का आगाज भले ही ठीक ना रहा हो, अंजाम जरूर अच्छा रहा है। ओवर समाप्त होते हुए 3-31, 2 विकेटों के नुकसान पर अब 18 गेंदे और 25 रन। कहां एनालाइज कर रहे हैं आप हरेश? 3 ओवर में 31वें, 3 ओवर में 25 छः। मेरा अपना मानना है कि पड़ला ग्रामीण, भिवंडी ग्रामीण स्टार का भारी है। उसकी एक वजह है कि आपके पास 8 विकेट बाकी हैं, जयेश पाटिल बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, केतन पाटिल भी अच्छा कह रहे हैं, आने वाले बल्लेबाजों में एक खेप मौजूद है। अगर भिवंडी सिटी स्टार को इस मैच को जीतना होगा तो गुच्छों में 2 से 3 विकेट लेने होंगे। ये देखिए डगआउट, इरफान भुरे प्लेस पवेलियन में इस वक्त इत्मीनान है और विश्वास पाटिल भी टीम के साथ नजर आ रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि बॉलिंग में आखिरी 2 ओवर में जो वापसी की भिवंडी ग्रामीण स्टार्स ने और पहली पारी में जो अच्छा प्रदर्शन था उसका प्रोत्साहन लेकर वो दूसरी पारी में आए। तो ये मैच समरी अब तक की, भिवंडी सिटी स्टार 55 for 5, श्याम चौधरी 11 बॉल 19, बिलाल शेख 10 बॉल 9, मतीन 3 बॉल 8 और माजिद शेख 4 बॉल 7 नॉट आउट, विवेक शेलार 17 रन देकर 2 विकेट, हिमांशु पाटिल 9 रन 1 विकेट, किरण पाटिल 8 ओवर 8 रन 1 विकेट, भावेश पवार 19 रन 1 विकेट। दूसरी पारी में अख्तर शेख 1 ओवर 7 रन 1 विकेट, हुजैर 2 ओवर 24 रन 1 विकेट, साकिब खान ने अभी बॉलिंग शुरू नहीं की है, जयेश पाटिल 8 बॉल 17, केतन पाटिल 2 बॉल 5 और प्रतीक पाटिल 3 बॉल 4, कुमार गुंड 5 बॉल 4। अरे देखिए ओवर हो चुका है, उजैर ने अपना कोटा पूरा किया है। क्या आपको लगता नहीं कि ऑप्शन था आपके पास? दाएं हाथ के बैट्समैन बल्लेबाजी कर रहे थे, आपके पास बाएं हाथ का गेंदबाज साकिब खान था, क्योंकि अख्तर शेख ने अच्छा ओवर डाला था, कहीं ना कहीं कप्तान को तीसरे ओवर में वहाँ साकिब खान को मोर्चे पे लाना चाहिए था। यस, एक अच्छी सोच है गेम प्लान के हिसाब से, लेकिन जब इतना बड़ा मुकाबला चल रहा है तो भिवंडी सिटी क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है उन्होंने भी डेफिनेटली कोई प्लान बी सोच रखा होगा, जिसके अंतर्गत जब प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी को एक्टिवेट कर दिया। सिद्दीक भाई आप तो जानते हैं हम सब लोग प्लान के अंतर्गत ही जीते हैं और काम करते हैं। बिल्कुल, लेकिन एनालाइज करें तो फिर जब आप जिस तरह माजिद को ऊपर इसलिए भेजा था कि बाएं हाथ के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे, उस तरह भिवंडी सिटी स्टार के कैप्टन तीसरे ओवर में यहाँ से चेंजेस कर सकते थे। लेकिन कहते हैं क्रिकेट में अगर और मगर को कोई जगह नहीं, जर यानी तर नहीं चालत किंतु परंतु नहीं चलता है। तो साकिब खान पुढ़ षटक घेऊन येतो आहे, हाजी समद सेट स्टैंड एंड कडून डाव्या हाताने राउंड द विकेट, जेपी चा स्ट्रॉंग झोन, चेंडूला हुक करायचा प्रयत्न होता मात्र हा स्लॉग स्वीप मधला फटका, यष्ट्यांचा मागे श्याम चौधरी संघर्ष करतोय चेंडू थांबवण्यासाठी आणि तोवर जयेश पाटील यांनी 2 धावा पूर्ण केल्या आहेत। सिद्दीक भाई 2 ते 5 सेकंडची वेळ होती आणि जसा भारतीय नौदलात किंवा आर्मीतला जवान 5 सेकंडमध्ये तोंड धुवून परत एकदा बॉर्डरवर रेडी असतो, तसा जयेश पाटील अगदी डोळ्याच्या पापडी गुंडाळून घरी घेऊन जावं लागेल असा पद्धतीचा हा त्याचा रनिंग बिटवीन द विकेट, फंटास्टिक। आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि तालुका के 2 बेस्ट रनिंग बिटवीन द विकेट करने वाले पिच पे मौजूद हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इनको जो ऑडियंस है तुरतुरी कहते हैं, इतना तेज भागते हैं तुरतुरी। 33 धावा 2 बाद ये आमचे सर्व प्रेक्षक जिथे जागा भेटली आता बघा
वो कहते हैं ना कि रात अब जवान हुई है, और क्यों ना जब उनकी रातों का हम सफर उनका साथ निभा रहा हो। पुढील चेंडू या वेळेला स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळत एक धाव पूर्ण केले, दुसऱ्या धावाच्या शोधात होते, मात्र कुठेतरी धावबादची संधी आणि जयेश पाटील स्वतः परततोय, त्याला माहित आहे मी आपला घडी गमवून टाकलेला आहे। देखिए इंसान मात भी कहाँ खाता है जिसमें वो परफेक्ट रहता है। जयेश पाटिल दौड़ने में परफेक्ट थे, थ्रो कितना परफेक्ट, और देखना है तीसरे अंपायर, यस इज आउट। अरे गोड़ चूक मनावा लगे, चुकीला माफी नहीं। ये जो दोस्तों शोर उभर रहा है, ये शोर इसलिए उभर रहा है कि नए खिलाड़ी हरफन मौला प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट ड्रॉप सीन के हीरो भावेश पवार आए हैं। तर 24 धावा काढत बाद झालाय तो जयेश पाटील आणि नवीन फलंदाज भावेश पवार। अरे इंग्लिश की एक कहावत है कि हार्ड थिंग इज ब्रोकन अर्लियर, सिर्फ चोट सही जगह पे लगना चाहिए। आदमी जिस चीज में परफेक्ट रहता है वहीं वो गलतियां भी कर देता है, और इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि दिल की नहीं दिमाग की सुनिए। जब आप दिमाग की सुनेंगे तो आपका दिल भी नहीं टूटेगा, और आपका जो दिमाग है वो वाकई में आपको तरोताजा रखेगा। और सिद्दीक भाई आप तो जानते हैं कि जी हाँ, एक और इनाम आता हुआ सिद्दीक भाई बताएंगे। देखिए व्यान और मित की तरफ से, व्यान और मित जो दिनेश चौधरी के दोनों सपूत हैं, भावेश पवार अगर सिक्सर की हैट्रिक लगाते हैं तो 5000 कुल रन चाहिए, 22 गेंदे बचिए 16 चेंडू 22 धावा। आणि साकिब खान सज्ज होतोय, सामने जो दर्शक है आपको पीछे होना है। या वेळेला चेंडूला हळूवारपणे खेळलाय यश त्यांच्या मागे एक धाव, आता 15 चेंडू आणि 21 धावा। और बल्लेबाजी के लिए भावेश पवार तैयार होते हुए, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ ये जो भावेश पवार है ना ड्रॉप सीन में आते हैं अक्सर हीरो बन जाते हैं और कभी कभी जीरो। तर इथे कुठेतरी साकिब ने आतापर्यंत षटक चांगलं हाताळलंय। सिद्दीक भाई जर तुम्ही गणितचे विद्यार्थी असाल तर तुम्हाला माहित असलं पाहिजे 15 चेंडू 21 धावा म्हणजे एक षटकार कधी ना कधी मारायचा आणि बॉल टू बॉल इक्वेशन येणार, मात्र तो चेंडू त्यांना भेटणार का आणि तो चेंडू मैदानाच्या बाहेर मारण्यासाठी धोका पत्करणार का, ह्या भरपूर गोष्टी गुलदस्त्यात बंद आहे सध्या। देखिए हात निकालना है, रैलिंग पे से हात निकालना है, सभी ने कैमरे में दिखाया जा रहा है। आपने गणित की बात की, आप उसके तो बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन मेरी बात भी सुनिए, हिसाब में से एक निकालो तो एक बचता है, लेकिन मोहब्बत में से एक निकालो तो कुछ भी नहीं बचता है। साकिब चांगला चेंडू उसली घेत गेला होता। सिद्दीक भाई आपने मोहब्बत की बात की, प्यार इश्क मोहब्बत धोखा है, बाली ट्रॉफी खेलो सुनहरा मौका है। क्या बात है, और वहीं तो खेली जा रही है। देखिए क्या गेंद से स्वागत किया भावेश पवार का साकिब ने, साइड आर्म गेंद थी। पुढील चेंडू आवाक्याचा खूप बाहेर आणि नो बॉल। आता सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कहानी मधला ट्विस्ट, वाइड असला असता तर परवडला असता, पण नो बॉल आहे म्हणून फ्री हिट आहे, आणि फ्री हिट आहे म्हणून फलंदाजाला मुभा आहे मोठा फटका खेळण्याची। ऐसी स्थिति में साकिब ने नो बॉल और फ्री हिट मानो दरवाजे की चाबी सामने वाले के हाथ में दे दिए। 14 चेंडू 20 धावा, या वेळेला ड्राइव केला त्या चेंडूला एक धाव पूर्ण करते आहे धाव संख्या 3 बाद 37, आता 13 चेंडू आणि 19 धावा। इनाम बहुत मुश्किल है आप लगते हुए, हैट्रिक सिक्सर पे राजेंद्र पाटिल की तरफ से भी 2000 हैं जबकि केवल 19 रन चाहिए। नाही नक्की, आणि इथे एक गोष्ट महत्त्वाची असणार आहे ते म्हणजे सामना फिनिश करणं। ग्रामीण सिटी समोर जिंकू शकला नाही आहे आणि मागील जे दोन पराभव आहे त्याचे उट्टे काढण्याची संधी।
काय लिहिलंय त्या चेंडूला खेळलेत, जाऊन डायरेक्ट A1 चिकन सेंटरच्या बॅनरला चेंडू लागतो आणि 4 धावा मिळत आहेत फलंदाजाला. हरीश, आय थिंक अनकन्व्हेन्शनली टॉप ऑफ द बॅट फाईन लेग इन साईड दी सर्कल बट रिझल्ट इन फेवर ऑफ केतन पाटील. अनकन्व्हेन्शनली वन बाउन्स क्रॉस द बाउंड्री फॉर 4. सिद्दीकबाई, इथे कुठेतरी क्रिकेट आहे ना, हे माइंड गेम आहे. फ्री हिटचा चेंडू टाकल्यानंतर कुठेतरी गोलंदाजाला वाटलं मी काहीतरी नवीन करायचा प्रयत्न करतोय आणि तिथे कुठेतरी फलंदाज त्याच्यावर हावी झाला आणि त्या 4 धावा खेचून काढल्या. आता धावसंख्या 41, 3 गडी बाद, 12 चेंडू, 15 धावा. 12 गेंदों में 15, दोनों टीमें आपकी है लेकिन ये अल्ताफ पाली का शो है. ध्यान रखिए, मैच कोई भी जीते कोई भी अंदर नहीं आएगा. बहुत ही खूबसूरत मौसम भी बन गया इस मैच के लिए, ठंडी हवा के झोंके चल रहे हैं. 12-15 का इक्वेशन. हरीश, इस तरह के जो इक्वेशन रहते हैं ना, गेंदबाजों को लगभग शेर की गुफा में जाकर हमला करना होता है. सिद्दीक भाई, इथे कुठेतरी मला असं वाटतंय की कमालीची प्रसंगावधानता दाखवावी लागणार आहे, कारण जो संघ प्रसंगावधानता दाखवेल तो संघ जिंकेल असं मला कुठेतरी वाटतंय. तमाम बाउंड्री पे अब पॉइनियर के वॉलेंटियर्स जाते हुए, आप लोगों ने काफ़ी सहयोग किया है, थैंक्स है अल्ताफ बाली की तरफ से हमारे तमाम दर्शकों का. देखिए, आप इस तरह की सिचुएशन में गेंद में हाथ, आपके हाथ में गेंद है लेकिन जान हथेली पे भी लेकर गेंदबाजी करना होगी और जान हथेली पे किसी प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होती है. गेंदबाजी में धनराज को बुलाया गया है, फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलर. सामना करेंगे भावेश पवार. धनराज राइट आर्म राउंड स्टंप्स. भावेश को ड्राइव किया, गेंद को लॉन्ग ऑन पे, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, 1 रन, 11 गेंदे, 14 रन. व्हाट अ मैच, पैसा उसूल मुकाबला. दोन्ही फलंदाजाला माहित आहे चौकार षटकाराची या क्षणाला गरज नाही आहे, एकेरी दुहेरी जरी घेतल्या तरी आपण पोचू. 11 चेंडू, 14 धावा, ह्याचा विषयीच मी बोलत होतो. कधी कधी घिसडगाई नडते आणि म्हणून घिसडगाई करू नये, त्या पद्धतीची फलंदाजी बघायला मिळेल का ह्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. देखना आहे की धनराज गेंदबाजी का राज करते हैं या भावेश पवार अपना पॉवर दिखाते हैं. धनराज राइट आर्म ओवर द विकेट. केतन को फ्लिक कर दिया पैरों के सामने लेकिन लीडिंग एज था और छुड़ा लिया है तुमने जो रन को. 1 रन आता हुआ लेग बाय. धाव जरी सोरटी असली तरी संघासाठी महत्त्वाची आहे, कारण विजयी लक्ष्याकडे ते आता एक पाऊल अजून पुढे सरकतायत. शार्प इन कटर गेंद थी, ऑफिस हिप्स खेलना चाहते थे वहां पर बैट्समैन. बॉलिंग अभी भी बहुत अच्छी हो रही है, 10 गेंदे, 13 रन. मैच अभी खत्म नहीं हुआ है. यहाँ पर भिवंडी सिटी स्टार हारना नहीं चाहते और भिवंडी ग्रामीण स्टार को जीतना है, लेकिन एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है. धनराज भावेश को बढ़िया वाइड यॉर्कर, व्हाट अ बॉल, मैजिक बॉल. अगदी काल सुद्धा आपण बघितलं सेमीफायनलमध्ये भावेश पवारला असंच थांबवण्यात आलं होतं, त्याची जणू काय झेरॉक्स कॉपी. अनप्लेएबल बॉल, अनप्लेएबल डिलिव्हरी फ्रॉम धनराज. 9 गेंदे, 13 रन. धनराज भावेश पवार के लिए स्टेप में चूके, डेड बॉल. ये रणनीति का भी हिस्सा रह सकता है और ये वाकई में ऐसा हुआ भी हो. 17,000 लोग YouTube पे देख रहे हैं जबकि SSS और अन्य चैनल पे हमारा टेलीकास्ट जा रहा है. धनराज राइट आर्म राउंड स्टंप्स. भावेश को खोद के निकाला, 1 रन,
क्या गजब की गेंदबाजी हो रही है, अपील हुई है वहां पर और अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ। केतन ने चलना शुरू कर दिया है, क्या ये मैच का टर्निंग पॉइंट तो नहीं है? जयेश पाटिल धावबाद, केतन पाटिल धावबाद। आणि आता कुठेतरी भिवंडी सिटी जी टीम आहे त्याने भिवंडी ग्रामीण टीमला बेभाव आणि बेधाव करून टाकलंय। अभी भी तीसरे अंपायर का निर्णय हम तक नहीं पहुंचा है, अब पहुंचता हुआ आउट। बिलाल शेख की तारीफ करना होगी, थ्रो को कलेक्ट करने पहले ही आ गया है ताकि बैट्समैन पहुंच ना पाए। अतिशय चांगला विकेट कीपिंग चा प्रात्यक्षिक। ट्रेडिशनली यष्टीरक्षक यष्ट्यांचा मागे उभा राहून चेंडूची वाट पाहायचा आणि आउट करायचा। 1996 विश्वचषकामध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा यष्टीरक्षक होता स्टीव पाल्फ्रामॅन, आणि स्टीव पाल्फ्रामॅनने ती युक्ती शोधून काढली आणि मग मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये तुम्ही अशा गोष्टी बघायला लागल्या। इम्प्रोवायझेशन आणि या ज्या सर्व टेक्निक्स आहेत त्या टेनिस क्रिकेटमधून इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये आलेल्या आहेत। और कौन भूल सकता है सचिन तेंडुलकर की उस स्टंपिंग को जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कोलकाता में कालू वितरणा ने की थी। 44 रन, 4 विकेट, 4 अशारिया, 4 ओवर, 4-4-4-4-4। गेंदे बची है 8, रन चाहिए 12। धनराज ने इस ओवर में अब तक बांधे रखा है नए बैट्समैन, एक और खतरनाक बैट्समैन एवन पवन, पवन के ने। टेनिस क्रिकेट में भिवंडी तालुका में बॉटम एंड का इस्तेमाल पवन से अच्छा कोई नहीं करता है। बढ़िया बाउंसर, पवन केने की नींद उड़ाती भी। कैसे आप पूछती भी, हाउ आर यू? नक्की धनराज कौतुक करावे लागेल। अगर आगरा के पास ताज है तो भिवंडी सिटी के पास धनराज है। क्या बात है, 7 गेंदे 12 रन, 7-12 का इक्वेशन है लेकिन मैच के 7-12 अभी तक क्लियर नहीं है। व्हाट अ मैच, पैसा उसूल मुकाबला, शादाब कोतकर हिट हो गए, हम आप सबके महबूब महबूब गौरी हिट हो गए हैं क्योंकि इनाम प्राइज उन्हीं की तरफ से 25,000। धनराज गेंद को खेल दिया है मिड विकेट पे, 1 रन बना और यहाँ एक और रन आउट। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है? आपला विकेट अगदी बक्षीस म्हणून देऊन टाकली आहे पवननी। आधी जयेश पाटील, नंतर आपण अजून एक पाटील बघितले आणि आता पवन केने। आपला गडी राखून ठेवायला पाहिजे होता। ऐसे ही रोलेक्स मेडिकेट के फात दलवी ने 5,000 का इनाम मैन ऑफ द मैच के लिए थोड़ी रखा है, इसमें तो आपको जान की बाजी लड़ाना है। अब इक्वेशन क्या है, 6-11, क्या कहते हैं हरेश, मैच कितने परसेंट कहाँ है और कितने परसेंट कहाँ है? देखिए अभी भी मैं इसको 65-35 पकड़ रहा हूँ, 65 सिटी 35 ग्रामीण, क्योंकि ये जो बाकी का फर्क है ना, ये भरने की क्षमता जो है एक ही इंसान के अंदर है। अभी भी भावेश पवार वहाँ पर है और उसके पास ऐसी क्षमता है, 10 में से 9 लोगों को आप पूछ लीजिए, एज लॉन्ग एज भावेश इज देयर एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन धनराज ने जो ओवर किया है उसने प्रेशर में जरूर लाया है। अब सिद्दीक भाई यहाँ डर क्या है पता है, 3 बैक टू बैक रनआउट होने के बाद रन की जरूरत वापस। देखिए आपने एनालाइज किया, ये पहला भिवंडी स्टार सिटी और ग्रामीण भिवंडी स्टार के बीच में जो मैच हुआ था उसमें यही इक्वेशन थी, 6 गेंदे 11 रन, 1 सिक्सर भावेश पवार ने लगाया, गैसुद्दीन ने उनको आउट किया, यही पवन के ने सिक्सर नहीं लगा पाए। मैच अपने आप में, आपने 65-35 का आकलन किया है, मेरा अपना मानना है 55-45। मैं समझता हूँ कि ग्रामीण की तरफ 55 मैच है क्योंकि वहाँ भावेश पवार है। देखिए मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ, विजय और पराजय के बीच में भावेश पवार है, बट भावेश पवार के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रखना ये भी दानिशमंदी नहीं होगी ऐसा मुझे लग रहा है। वो ये लेकिन इस वक्त स्ट्राइक
प्रीतेश पाटिल के पास आया है और गेंदबाजी के लिए साकिब खान। पहली गेंद हवा में स्ट्रोक है, फिर से श्याम चौधरी से कैच छूटा। भावेश ने दूसरा रन जानबूझ के नहीं लिया। मला कुठेतरी असं वाटतंय भावेश सांगतोय साकिब लेफ्टी मी लेफ्टी आणि माझ्यावर डीजे ने बनवलेलं गाणी सुद्धा लेफ्टीची आहे। बघूया काय करूया आपण आणि सामना जिंकूया। दिस इज बघा सिद्दीक भाई, श्याम चौधरीने तो झेल घ्यायला पाहिजे होता, कारण हा जो सामना आहे हा अटीतटीचा सामना आहे। दॅट कॅच कुड हॅव सील्ड द विक्ट्री फॉर देम। 19,000 लोग यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है अल्ताफ बाली की तरफ से। साकिब खान अगर मैच जिताते हैं तो वियान चौधरी की तरफ से 2,000 का इनाम है। ये हिसाब किताब बाद में करेंगे, पहले रनों का हिसाब किताब। 5-10 का इक्वेशन। साकिब खान भावेश पवार को दिया गया है मतीन खान के रूप में। व्हाट अ मैच, इसे कहते हैं जिद्दी क्रिकेट। देखिए ऑन साइड के फील्ड को काफी कसा गया है, चार खिलाड़ी बाउंड्री पर। गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी एंड प्राउड ऑफ भिवंडी आमने सामने। साकिब खान भावेश को लॉब कर दिया है, गेंद स्टैंड में, 6 रन। 100 सुनार की, 1 लोहार की और ये सिक्सर भावेश पवार की। कहा था ना मैंने हरेश के ये खिलाड़ी को आप एनालाइज नहीं कर सकते। ना नक्कीच, त्याने जो फटका मारला है मानावं लागेल, भावेश पवार नावाचा रॉकेट। सरळ हाजी समद सेट एंड चा जो स्टँड आहे तिथे लँड होतंय आणि भावेश पवार यांनी सामना गरम केलाय। सामना अजून संपला परंतु त्याने सामना गरम नक्कीच केलाय। तापमान वाढल्यावर वितळते कुल्फी। पूर्ण भिवंडी काढणार आहे त्याच्यासोबत सेल्फी। 4 गेंदे 4 रन, इस तरह की इक्वेशन बैट्समैन को दुविधा में डाल देती है। लेकिन दोनों टीमों के लिए तालियां होना चाहिए। मैच खेला है, साकिब भावेश को कवर ड्राइव लगाया है, बढ़िया फील्डिंग। झपटे थे वहां पर गैसुद्दीन, हरेश 3-3, क्या कहीं सुपर ओवर तो नहीं? नहीं, मला नाही वाटत सुपर ओवर होईल, कारण दोन्ही संघ सुपर ओवर खेळण्याच्या मूड मध्ये नाहीयेत। त्यांना डायरेक्ट आउटराइट सामना जिंकायचा आहे और आणि 3 चेंडू मध्ये 3 धावा। बघा 1 बॉल 1, 2 बॉल 2, 3 बॉल 3 डिफिकल्ट, 1 बॉल 6, 1 बॉल 4 पॉसिबल, 3 बॉल 3 वेरी डेंजरस। 3 गेंदे 3 रन, प्रीतेश पाटिल भी गरम पानी में आए हैं। साकिब खान लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, 2 खिलाड़ी सिंगल रोकने। देखिए मैच कोई भी जीते कोई भी अंदर नहीं आएगा, तुरंत ही हमें मैच शुरू करना है। साकिब खान प्रीतेश के लिए कटर, कटर थी ऊपर से निकल गई। काय करतोय प्रीतेश, अगदी चेंडू जसा वळला तसा तो सुद्धा वळला, म्हणजे आपला चेंडूच्या धुनवर ताता थैया नाचवलंय त्यांनी प्रीतेश पाटीलला। 2 चेंडू 3 धावा। सांप की तरह गेंद फुवार थी भी पहुंची थी। 2 गेंदे 3 रन, दर्शक क्या चाह रहे हैं, सुपर ओवर चाहिए। फुल टॉस गेंद और भिवंडी ग्रामीण स्टार विजय। इलाका तुम्हारा, धमाका हमारा।
कॉन्ग्रेचुलेशन जयेश पाटिल एंड ऑल टीम हार्ड लक गैसुद्दीन। यस कॉन्ग्रेचुलेशन जयेश पाटिल एंड ऑल टीम एंड हार्ड लक गैसुद्दीन एंड ऑल टीम। कसा डेंजर है भावेश पवार यो लेफ्टी। रेशमा कधी कधी म्हणजे मला आश्चर्य वाटते, मी एका ठिकाणी वाचलंय तर दोन्ही टीमचे खेळाडू हस्तांदोलन करतायत, आयसीसीचा जो क्रिकेट कोड ऑफ कंडक्ट आहे त्यात सुद्धा म्हटलं गेलंय रिस्पेक्ट फॉर द ऑपोजिशन, रिस्पेक्ट फॉर द कॅप्टन, रिस्पेक्ट फॉर युअर ओन साईड, रिस्पेक्ट for the officials and respect for the moral values of the game. अतिशय सुंदर असा हा सामना संपला। कधी कधी रेशमा मी चांगल्या अंग्रेजी म्हटला म्हणी वाचत असतो आणि त्यात काही दिवसापूर्वी मी वाचलं होतं when nothing goes right go left आणि त्या लेफ्टीने करून दाखवलं। अभिनंदन भावेश पवार आणि ग्रामीण संघ। परंतु शेवटी रेशमा मला असंच म्हणायचं आहे की विजयी भिवंडी क्रिकेट झालेलं आहे। व्हॉट अ मॅच, व्हॉट अ मॅच, म्हणजे एक्झिबिशन मॅच, पैसा वसूल सामना। जवळजवळ 20,000 जास्त प्रेक्षक यूट्यूब आणि केबलद्वारे आम्हाला अजूनही जास्त प्रेक्षक बघत होते आणि पूर्ण स्टेडियम आमचा खचाखच भरला होता। हे सक्सेस आहे बाली ट्रॉफीचं, हे सक्सेस आहे अल्ताफ बालीचं। तर मित्रांनो, आता आपण सज्ज होणार आहोत बक्षीस वितरणासाठी। आणि आपण वळणार आहोत आपल्या प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे। लगेच सुरू करायचं आहे पुढील सामना। कायरा झून अंदुरखी आणि जोगेश्वरी झून अंदुरखी ग्रामीणचा हा सामना त्वरित सुरू करावा प्लीज, धन्यवाद। तर ग्राउंड प्लीज काही करायचं लगेचच, ऑडियन्स को बाहेर आणाय कारण आपल्याला मॅच लगेचच सुरू करायचे। ग्राउंड खाली करा प्लीज, सहकार्य करा।
मॅचला पण लगेच सुरुवात करायची आहे. थोड्याच वेळात प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये प्रेझेंटेशन नक्कीच सुरू होईल. मग मॅच देखील आपल्याला लगेच सुरू करायची. मैदान प्लीज खाली करा, मैदानाच्या नक्कीच बाहेरून सर्वांनी या प्लीज. सबको मैदान के बाहेर आणा आहे. मॅचला आपण लगेच सुरुवात करतोय. आता आपण बक्षीस वितरण समारंभाकडे वळणार आहोत आणि बक्षीस वितरणासाठी मी विनंती करतोय आपले A1 अँकर लाखिवली गावाचे सुपुत्र राजेंद्र पाटीलजी, त्याचप्रमाणे सन्मान्य करण शेठ माळी समाजसेवक, त्याचप्रमाणे नयनजी माळी, सुशांत तरे, सोनादेवी टेमगर विहान, मीतकुमारचे दिनेशजी चौधरी, अतिक भाई, महबूब गौरी साहेब, शादाब कोटकर, फहद दलवी साहेब आणि फारूक शेख साहेब. चला सगळ्या पाहुण्यांचं स्वागत आहे. तर जाणून घेऊया रेशमाकडनं कोण आहे मॅन ऑफ द मॅच. मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू पवार कप्पावर भावेश पवार, ज्याने 10 रन आणि 1 विकेट घेतलेला आहे या सामन्यामध्ये. टीम आहे भिवंडी ग्रामीण. अभिनंदन भावेश पवार. आपण मध्ये थांबायचं आहे वर्तुळाच्या इथे. गेस्ट तिकडे येतील. हा बस तिकडे थांबा. What a player he is. Danger आहे भावेश पवार यो लेफ्टी असं जे गाणं आहे, मला असं वाटतंय की लोक वाजवतील आज. गोरसई गावामध्ये पण जल्लोष, भिवंडीमध्ये पण जल्लोष. जसं मगाशी म्हणालो, तापमान वाढल्यावर वितळते कुल्फी आणि हा मॅन ऑफ द मॅच घेतल्यानंतर भावेश बरोबर पूर्ण भिवंडी खेळणार आहे सेल्फी. तर सुरू करूया का मित्रांनो, सुरू करूया. तर सर्वप्रथम फहद दलवी यांना मी विनंती करणार आहे. शिवशंकर ज्यूस आणि आईस्क्रीम सेंटरचा हा गिफ्ट हॅम्पर. डॉक्टर तौसिफ शेख महापोली यांनी पुरस्कृत केलेला गिफ्ट हॅम्पर देत आहेत ते अतिक भाई A1 चिकन. दिनेश चौधरी आणि त्यांचे सुपुत्र विहान मीत यांच्याकडून A1 अँकर लाखिवलीचे सुपुत्र राजेंद्र रघुनाथ पाटील यांनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर. या पायनियर स्पोर्ट्सनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर. राजेंद्र रघुनाथ पाटील आपले स्पॉन्सर आहेत, त्यांच्याकडून डी साखरियाची ही ट्रेंडी बॅग. साकीब गौरी आणि शादाब कोटकर यांच्याकडून फैजान अन्सारी युनिक कव्हर केसचा आहे मोबाईल कव्हर. SK स्पोर्ट्स महापोलीचे शादाब कोटकर यांनी पुरस्कृत केलेली ही टोपी. आता जिल्हा परिषद सदस्य अरुण भोईर आणि ताबीर जैरुमी यांनी पुरस्कृत केलेली फ्रूट बास्केट आपण देणार आहोत. हारूनबाई फारूकबाई आणि त्यांच्यासोबत आलेले सर्व गेस्ट आणि सर्वात शेवटी करण शेठ माळी समाजसेवक उद्योगपती यांच्या शुभ हस्ते महबूबभाई गोरी आपण त्यांच्या जोडीला यायचं आहे. ॲक्रेलिक आर्ट 2 ची अतिक पल्लन आणि फराज मोमिन यांनी तयार केलेली ॲक्रेलिकची ही ट्रॉफी. तर खूप खूप धन्यवाद सर्व पाहुण्यांचा. आता आपण मंचावर असं नसतं व्हायचं आहे. येस भावेश पवार, भावेश पवार इथे या. फहद दलवी यांनी
घोषित केलेलं मॅन ऑफ द मॅच साठी 5,000 रुपयाचं पारितोषिक आता आपण भावेश पवारला देणार आहोत. अभिनंदन भावेश पवार. रेश्मा एक इंटरव्ह्यू तो बनता ही है आणि हा इंटरव्ह्यू तू घ्यावा अशी माझी मनापासून इच्छा आहे. मी एकाच प्रश्न विचारेन भावेश, मॅच रंगली होती बघ, शेवटी विजय झालाय भिवंडी क्रिकेटचा, विजय झालाय अल्ताफ बालीचा, विजय झालाय बाली ट्रॉफीचा. तुझं एक सारांश सांगशील, जेव्हा सिटी आणि ग्रामीणची मॅच आली आणि तुला कळलं की खेळायचं एक्झिबिशन मॅच आहे, तेव्हा काय काय होतं डोक्यामध्ये? काय ना, डोक्यामध्ये एकच असतो का, मॅच जिंकायची आहे. आणि ही मॅच आमची फ्रेंडशिप मॅच असते, म्हणजे आम्ही काल तर एकत्रच खेळलो, पण ही फक्त ग्राउंडमध्ये थोडीफार इकडे तिकडे ठसन असते, पण ग्राउंडच्या बाहेर गेलो आम्ही भावासारखं असतो. आज जसं जयेशने माझ्याशी सांगितलं की मॅच नंतर आम्ही एकत्र जेवणार आहोत, तर नक्कीच हे मैत्रीपूर्वक सामना असं आपल्याला पाहायला भेटला. भावेश, ज्या क्षणाला इक्वेशन थोडं डिफिकल्ट होतं, एका पाठी एक 3 धावबाद झाले आणि जेव्हा तू मैदानामध्ये गेला, तुला साकीबने बीट केलं, जेव्हा तू बीट होतो त्यावेळेला तू अपबीट होण्यासाठी काय करतो? बीट माझा होण्याचं कारण त्या साईडहून, कारण माझ्या हातात जी माझी बॅट होती त्या केतनकडे होती आणि मी कधी अप्पर बॅटने खेळत नाही, आणि डबल ब्लेडची बॅट होती ते केतनकडे होती, त्याच्यामुळे माझा इतका कॉन्फिडन्स नव्हता त्या साईडहून, कारण बॅट माझ्या ज्या हातामध्ये जी मी रेग्युलर घेऊन खेळतो ती बॅट जर असती तर मी 1 6 मारला असता तिकडून. भावेश, एक शेवटचा प्रश्न, जर भिवंडीमधील लहान बाळ गोपाळांना भावेश पवारसारखा क्रिकेटपटू व्हायचं असेल तर काय करावं लागेल? काय ना, जर क्रिकेटर जर बनायचं असेल तर चांगला क्रिकेटर बना, नाही तर असं टेम्परवाडी क्रिकेटर तुम्ही खेळून जर करिअर खराब करण्यापेक्षा जर एक चांगला क्रिकेटर खेळाल तर तुम्ही नाव पण कमवाल लाईफमध्ये. क्रिकेटमध्ये भरपूर काय आहे असं नाही का, टेनिस क्रिकेटमध्ये काय नाही, पण आता जे सध्या सीझनमध्ये जे आपलं चालू आहे क्रिकेट टेनिस क्रिकेटमध्ये, ज्याच्यामध्ये फुल हे पण आहे, क्रेज पण आहे आणि तुम्ही पुढं लाईफ पण बनू शकता. खूप खूप धन्यवाद भावेश पवार. मी महबूब गोरी आणि शादाब कोटकर साहेब यांना विनंती करणार आहे, आता आपण इथे प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे. आणि मी विनंती करणार आहे भिवंडी ग्रामीण स्टार पूर्ण टीमला, आपण मंचावर यायचं आहे आणि आपली 25,000 रुपयाचं पारितोषिक आणि ही जी ट्रॉफी आहे ती आता आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. या भिवंडी ग्रामीण स्टार जयेश पाटील, हिमांशु पाटील, विवेक शेलार, भावेश पवार, सर्व सहकारी, यस, एका मागे एक लवकर या. विश्वास शेठ पाटील, $25,000 25,000 रुपये आणि ही भव्य ट्रॉफी. अभिनंदन भिवंडी ग्रामीण स्टार्स. पैसा दीजिए. जी हाँ, तो ये 25,000 रुपए की इनामी राशि दी जा रही है. जी हाँ, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया 25,000. आहा, भावेश और जयेश, जयेश पाटिल का अंदाज देखिए 25,000 रुपए को होल्ड करने का. यस, ये